हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस चैप्टर का, जिसमें एपी जीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज प्लस 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो वन शॉट रिवीजन सीरीज है स्पेशली सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स को दिमाग में रख के बनाई गई है, और ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इससे भी आप मान के चलो कम से कम 4 सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में ऐसा लगे कि उसमें और पढ़ने की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, तो आप लोग उसमें जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम कवर करने वाले हैं वो ये सब है। सो लेट्स बिगिन विथ द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बिफोर गोइंग देयर, वॉट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अ प्रोग्रेशन इन विच देर इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स। कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स। ठीक है, कंजेकेटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, चौथा टर्म ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें ए तो कहलाता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और जो डी है वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। और यही दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो हमें किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए पता होनी चाहिए। अगर हमें ये दो चीजें पता है तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हर सवाल में हमें कोशिश करनी चाहिए कि एपी के सवाल में हम ए और डी पता लगा लें। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी इस तरीके की सीरीज लिखो, जैसे मैंने लिखा 5, 12, 19, 26 एंड सो ऑन। सो आप देख सकते हो कि इसमें इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7, इनका 7, इनका 7, सो इट इज एन एपी बिकॉज देयर इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 7। सो इस 7 को ही हम डी बोलेंगे और इस 5 को हम ए बोलेंगे। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द nth टर्म, तो nth टर्म को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं और nth टर्म भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, सो जनरल, लास्ट या nth टर्म ऑफ एन एपी वो क्या होता है? उसको हम अगर tn से डिनोट करें तो उसका फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, a प्लस एन माइनस वन टी। इसका मतलब आपको जो भी टर्म निकालना है उससे एक कम आपको डी के साथ अटैच करना है। जो टर्म निकालना है उससे एक कम डी के साथ अटैच करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर t13th निकालना हो तो आप लिखोगे a प्लस 12d। ठीक है, आपको अगर मान लो t20th निकालना है आप लिखोगे a प्लस 19d। आपको अगर लिखना है t2n-1th टर्म तो आप लिखोगे a प्लस 2n-2d। जो आपको निकालना है उसमें से एक घटा के लिखना है। ठीक है, दिस इज हाउ यू राइट द जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा, ये तो हो गई बात कि भाई अगर मेरे को a और d पता हो तो मैं जनरल टर्म निकाल सकता हूँ, मतलब कोई भी nth टर्म निकाल सकता हूँ। लेकिन मान लो कि मेरे को nth टर्म दे रखा हो और मुझे n का वैल्यू निकालना, तो फिर हमारे पास एक ट्रिक है जो इसी फॉर्मूले से डिराइव हुई है। वो ये है कि अगर कभी भी एन निकालना हो और लास्ट टर्म पता हो, मतलब nth टर्म पता हो, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस वन, जो कि इसी से मैंने डिराइव किया। लेकिन ये बहुत अच्छी ट्रिक है, डायरेक्टली याद रख सकते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस वन। जैसे अपन अगर इसी सीरीज में बोले कि भाई विच टर्म ऑफ दिस एपी, विच टर्म ऑफ द एपी इज 173, सपोज मैं आपसे ये बोलूं, ठीक है, तो अब इस सवाल में आप डायरेक्टली, आपको एनी तो पूछा है इसने कि कौन सा टर्म 173 है, तो आप 173 को क्या मान लो? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 5 अपॉन कॉमन डिफरेंस विच इज 7 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। नाउ व्हाट इज 173-5? इट इज 168 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1। व्हाट इज 168 बाय 7? 7 टू जा 14, 7 फोर जा 28 प्लस 1, सो व्हाट इज माय आंसर? 25th टर्म, दैट इज माय आंसर। इस तरीके से कोई भी लास्ट टर्म दिया हो तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ कि कौन से नंबर का टर्म। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर है कि भाई अगर nth टर्म निकालना हो तो ये फॉर्मूला और n निकालना हो तो ये फॉर्मूला। ऑलराइट, जैसे मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई विच टर्म ऑफ द एपी हंड्रेड 93 86 एंड सो ऑन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म,
फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव टर्म क्यों आएगा, क्योंकि आप देखो ये एपी डिक्रीजिंग एपी है। डिक्रीजिंग एपी किसको बोलेंगे, जिसका डी नेगेटिव होगा, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें टर्म्स घट रहे हैं, और घट रहे हैं क्यों घट रहे हैं, क्योंकि इसका डी नेगेटिव है। तो जिसका डी नेगेटिव है उसको डिक्रीजिंग बोलते हैं, जिसका डी पॉजिटिव है उसको इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं, राइट। तो सिंस ये डिक्रीजिंग है तो इसका कहीं ना कहीं जाके टर्म नेगेटिव भी होगा ही होगा। मुझे बताना है कौन सा पहला नेगेटिव टर्म होगा। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आई कैन यूज दिस टी एन का फॉर्मूला जो भी यहाँ लिखा था। हम बोल सकते हैं भाई एनेट टर्म मान लेते हैं नेगेटिव है, और उसको नेगेटिव करके सॉल्व कर सकते हैं। बट उससे बेटर हुआ कि मैं ये ट्रिक यूज कर लूँ, क्योंकि नेगेटिव किसके बाद आएगा, जैसे कोई सीरीज घटती हुई आ रही है तो पहले वो जीरो होगी फिर नेगेटिव होगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारा लास्ट टर्म जीरो है, सपोज। हो सकता है जीरो इस सीरीज में आए, हो सकता है ना आए। हमने मान लिया कि हमारा लास्ट टर्म जीरो, तो फिर अब हम एन का फॉर्मूला लगाते हैं। भाई लास्ट टर्म कितना, जीरो, फर्स्ट टर्म कितना, 100, कॉमन डिफरेंस कितना है जरा देखो, 7। 7 है कि -7, -7, डोंट फॉरगेट दैट माइनस, ठीक है। बिकॉज ये डिक्रीजिंग एपी है, तो इसमें आप हमेशा जब भी डी निकालोगे ना, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करना है, हमेशा ध्यान रखना डी निकालने के लिए, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तभी आपका डी सही आएगा, वरना साइन का गड़बड़ होगा, ठीक है। सो 0 -100 अपॉन -7 +1, दिस इज योर एन। सो इफ यू लुक एट दिस, यू आर गेटिंग 100 अपॉन 7 +1। ना 100 अपॉन 7 तो निकलता नहीं है भाई, ठीक है, मतलब ये एग्जैक्टली इसमें जीरो नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हमें आइडिया तो लग जाएगा कहाँ पे जीरो आता है। सो से सी 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वील गेट 14 पॉइंट समथिंग, राइट, +1। नाउ व्हाट इज 14 पॉइंट समथिंग +1, इट इज 15 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि 15 पॉइंट समथिंग वाला टर्म मेरा जीरो होगा, लेकिन 15 पॉइंट समथिंग मतलब 15 के बाद में, हल्का सा बाद में जीरो आएगा। इसका मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, 16, क्योंकि 15 पॉइंट समथिंग मेरा जीरो आ रहा है, तो उसके जस्ट बाद में नेगेटिव टर्म आएगा। दैट मीन्स द फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 16। दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस ट्रिक, क्लियर। सो दिस इज योर एनथ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा एक चीज और हम ध्यान रखेंगे एनथ टर्म के बारे में, वो क्या है कि एपी का जो एनथ टर्म होता है वो हमेशा लीनियर होता है, ठीक है। जो कि आपको यहाँ से नजर भी आ रहा है कि भाई ए प्लस एन माइनस वन डी अगर मेरा जनरल टर्म है, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो आप ध्यान से देखो आपका यहाँ पे जो एन है उसका पावर 1, मतलब ये लीनियर एक्सप्रेशन है। और लीनियर एक्सप्रेशन जब भी आपका जनरल टर्म होगा तो आपको ये पता है कि सीरीज आपकी एपी होगी, ठीक है। अब इस सीरीज के बारे में मेरे पास कपल ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है या रिजल्ट है, ठीक है। वो क्या है, पहली बात, द फर्स्ट थिंग विच आई नो इज कोएफिशिएंट ऑफ एन, जो भी मेरा एन का कोएफिशिएंट होगा वो ही मेरा डी होगा। और दूसरी बात क्या है मेरी कि टू फाइंड ए पुट एन इक्वल टू 1। ये दो बातें हमेशा ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, अपन ने बोला कि जनरल टर्म ऑफ अ सीरीज इज 7n+6, ठीक है, राइट। अब मैंने आपको दिया जनरल टर्म ऑफ अ सीरीज इज 7n+6। अब आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या क्या कंक्लूजन ला सकते हैं। पहला कंक्लूजन कि ये जो सीरीज है वो एपी होगी, क्योंकि ये जनरल टर्म कैसा है, लीनियर है, पावर ऑफ एन इज 1। दूसरी बात, इसका जो डी होगा, एपी के लिए हमें ए और डी चाहिए होता है, राइट। इसका डी कैसे लाएंगे हम, जो भी एन का कोएफिशिएंट है, देखो जरा एन का कोएफिशिएंट कौन है, 7, वही आपका डी होगा। तीसरी बात, इसके लिए ए कैसे लाएंगे, जब हम एन को 1 रखते हैं। अब आप एन को यहाँ 1 रखो, यहाँ पे एन को 1 रखो, एन को 1 रखोगे तो 7 + 6 कितना आता है, 13। दैट मीन्स व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, 30। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, 7, इट इज एन एपी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगेन इसको देखते ही हम बता सकते हैं कि भाई हमारी जो सीरीज होगी उसका ए कितना होगा, टी कितना होगा, फाइन। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम एनथ टर्म। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही कॉमन है एनथ टर्म पे। जैसे आपको अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ 11th टर्म, इफ 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 231 एंड 20th टर्म इज 303, फाइंड इट्स 30th टर्म। सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है। इफ 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 231 एंड 20th टर्म इज 303, आपको निकालना है 30th टर्म। तो
कैसे करेंगे भाई, अपने को क्या सा टर्म दे रखा है, इलेवेंथ टर्म, ठीक है। इलेवेंथ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? तो एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 10 डी, इलेवेंथ टर्म बराबर कितना, 231। दूसरा 20th टर्म, 20th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 19 डी, वो बराबर कितना, 303, राइट। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये ए से ए कैंसिल हो जाता है और 19 माइनस 10 9 बचता है, और इधर 303 माइनस 231 कितना बचता है, 72। दैट मीन्स डी का वैल्यू कितना आया, 8, राइट। अब डी अगर 8 आ गया तो इस डी को उठा के किसी भी एक में रख दूंगा तो मेरे पास ए आ जाएगा, इजंट इट। दिस इज हाउ वी नॉर्मली डू, पर देखो इतना सब करने की जरूरत ही नहीं होती इस सवाल, क्योंकि आप एपी की प्रॉपर्टी यूज करो। आपको पता है एपी में हर अगले टर्म पे जाने के लिए हम डी जोड़ते हैं, तो अगर मेरे को 3 टर्म आगे जाना है तो मैं 3 बार डी जोड़ूंगा, 4 टर्म पीछे आना है तो मैं 4 बार डी घटाऊंगा, राइट। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से चलूँ तो मेरे को पता है इस सीरीज में खाली दिमाग में ही सोच के हम इस सवाल को कर सकते हैं। हमें पता है 11th टर्म इस सीरीज का कितना है, 231। हमें पता है 20th टर्म इस सीरीज का कितना है, 303। अगर हम इन दोनों टर्म्स में गैप देखें तो कितने का गैप है, 9 का गैप है, और इन दोनों में गैप देखें तो कितने का गैप है, 72 का गैप है। अगर मैं 9 टर्म आगे जा रहा हूँ तो मैं 9 बार डी जोड़ रहा हूँ, इसका मतलब 9 टाइम्स ऑफ डी शुड बी 72, दैट मीन्स डी शुड बी 8। तो ये जो डी का वैल्यू है 8, ये तो मैं दिमाग में कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 9 टर्म आगे जा रहा हूँ और 72 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 1 डी बराबर 8 हो गया, ठीक है। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है, 30th। अब देखो 30th टर्म पे जाने का मतलब तुम्हें इस 20 से कितना आगे जाना है, दैट इज व्हाट यू नीड टू सी। तो आपको जाना है 30th पे, राइट। इसका मतलब आपको कितना आगे जाना है, 10 टर्म्स आगे जाना है, इज इट इट। 10 टर्म आगे जाना है मतलब 10 बार डी जोड़ना है, 10 बार डी जोड़ना है मतलब कितना जोड़ना है भाई, 1 डी 8 है तो 10 डी कितना हो गया, 80 जोड़ना है। किसमें 80 जोड़ना है, जो 20th टर्म है, 20th टर्म मेरा है 303, उसमें कितना जोड़ूंगा, 80। सो व्हाट इज माय आंसर, 383। सो आप इस सवाल का आंसर भले ही उस ओरिजिनल मेथड से निकाल के देख लो, आपका आंसर 383 ही आएगा, जो कि मैं बड़े आराम से विदाउट मेकिंग इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूं। तो दिस इज द ट्रिक दैट यू शुड यूज, दिस इज द मेथड दैट यू शुड यूज टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। एक और स्पेसिफिक मॉडल है जो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इफ इन एन एपी mth टर्म इज वन अपॉन एन एंड nth टर्म इज वन अपॉन एन, ठीक है भाई। mth टर्म वन अपॉन एन हो जाए और nth टर्म वन अपॉन एन हो जाए, मतलब m का रेसिप्रोकल इधर आ जाए, ठीक है, और n का रेसिप्रोकल इधर आ जाए। अगर ऐसा कभी भी सेटअप दे रखा हो तो इसको भी हम पुराने मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम एक रिजल्ट डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि a और d हमेशा वन अपॉन एम एन के बराबर होगा, a एंड d विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन अपॉन एम एन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका कैलकुलेशन टाइम सेव हो जाता है। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि भाई इफ इन एन एपी टी 10 इज इक्वल टू 1/15 एंड t15 इज इक्वल टू 1/10, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं फाइंड t30। ऑलराइट, सपोज ये क्वेश्चन है, इफ इन एन एपी t10 इज 1/15, t15 इज 1/10, फाइंड t30। तो इसको पुराने मेथड से कर सकते हैं, बट अगर मैं इस सेटअप को पहचान लूं कि भाई 10 का रेसिप्रोकल यहाँ जा रहा है और 15 का रेसिप्रोकल यहाँ जा रहा है, तो फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ बिना सॉल्व करे कि ए और डी मेरा हमेशा 1/mn, एम कितना है देखो, मतलब 1/m कितना है, 1/15, और 1/n कितना है, 1/10। तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/150 आ जाता है, ठीक है। तो आपको ए और डी तो डायरेक्ट मिल गया। अब आपको कौन सा टर्म पूछा है अभी, t30। t30 निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या लिखना है, ए प्लस 29 t, यही फॉर्मूला होता है t30 का। अप्लाइंग द फॉर्मूला, ए का वैल्यू 1/150 और डी का वैल्यू जरा देखो वो भी 1/150, लेकिन ऊपर कितना आएगा, 29। अब 29 + 1 कितना हो गया, 30, 30/150, दैट इज माई आंसर ऑन नॉट। अब एक चीज और ऑब्जर्व करो, जब आप 30वां टर्म निकाल रहे हो तो आप ऊपर 30 लिख रहे हो और नीचे तो वही 1/mn लिख रहे हो, यानी अगर मान लो मैं आपसे 50वां टर्म पूछता तो ऊपर तो क्या आता, 50, और नीचे क्या आता, वही 1/mn यानी 150, इजंट इट। तो इसका मतलब तो पूरा ही ओरल सवाल हो गया, देखते ही आंसर दे सकते। जैसे वो मेरे से पूछ लेता कि भाई इसका 20वां टर्म निकाल, तो 20वां टर्म में ऊपर कितना आता, 20, और नीचे कितना आता, 150, ठीक है कि नहीं। सो दैट मीन्स माय आंसर बिकम्स 1/5, दैट इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। सो दोज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग nth टर्म। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज सम ऑफ एन टर्म्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी,
The formula is n upon 2 2a plus n minus 1 t. Okay, this formula can also be written as n upon 2 a plus l. ठीक है, a मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म, एक ही बात है। और ये फॉर्मूला क्यों आया इसको समझ लेंगे अगर तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि आप कोई भी एपी लिखते हो, जैसे आपने एक एपी लिखी 1 4 7 10 13 16, सपोज मैंने ये एपी लिखी, एपी है ना, कॉमन डिफरेंस 3। अब अगर मैं इसमें पहले और आखिरी का सम लूं तो देखो जरा 17 आ रहा है, दूसरे और सेकंड लास्ट का सम देखो वो भी 17 आ रहा है, और तीसरे और थर्ड लास्ट का सम देखो वो भी 17। ये किसी भी एपी की पिक्यूलर फीचर होता है कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड टर्म्स का सम क्या होता है, सेम होता है। इधर से पहला उधर से पहला सम लोगे जो भी आएगा, इधर से चौथा उधर से चौथा सम लोगे सेम आएगा, ठीक है। सो ये एपी की प्रॉपर्टी है, इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का सम इज ऑलवेज इक्वल फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, ओके। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से अगर आप इस फर्स्ट टर्म को ए बोल रहे हो और इस लास्ट टर्म को एल बोल रहे हो, तो आपका फर्स्ट और लास्ट का सम जो है 17, वो ए प्लस एल के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और वही ए प्लस एल अब हर पेयर का सम आ रहा है, यानी मेरे को खाली ये पता लगाना है कितने पेयर्स हैं और उस पेयर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 17 से, क्योंकि 17 को हम उतनी बार ऐड कर रहे हैं। बस वही काम हमने इस फॉर्मूला में किया है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने ए प्लस एल सम लिया पहले और आखिरी का, और एन बाई टू मतलब नंबर ऑफ पेयर्स, कितने पेयर्स हैं गुणा पहले और आखिरी का सम कितना है, ठीक है। दैट इज वाई दिस फॉर्मूला वर्क्स। तो अब जैसे इसका बहुत बड़ा बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी है, जैसे मैं आपसे ऐसा बोलूं कि भाई फाइंड सम ऑफ, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेवेंथ एंड 44th टर्म आर रेस्पेक्टिवली 1/13 एंड 38/30। देखो आप इस क्वेश्चन को देखो, मैंने आपसे बोला सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेवेंथ एंड 44th टर्म्स आर रेस्पेक्टिवली 1/13 एंड 38/30। अब मैक्सिमम लोग इसको कैसे करेंगे, सेवन टर्म लिखेंगे ए प्लस 6d बराबर दिस, ए प्लस 43d बराबर दिस, फिर उनसे एड सब्ट्रैक्ट करके ए और डी निकालेंगे, फिर उसको उस ऊपर वाले फॉर्मूले में रख के एस एन का वैल्यू निकालेंगे। ये बहुत लंबा तरीका है, इसमें मेरे को खाली सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि अगर मेरे को दो टर्म एपी के दिए तो मुझे सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या वो टर्म्स इक्विडिस्टेंट है। अब ये कैसे पता लगाएंगे भाई, आपको पता है सातवां टर्म इधर से सातवां टर्म, और आपको ये भी दिख रहा है क्या कि 44वां टर्म इधर से सातवां टर्म, 50 से देखो सात टर्म गिनो, 50 से आप 44 पे आओ, विच मीन्स दे आर इक्विडिस्टेंट। अब ये बात देखते ही कैसे पता लगाइए, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास जो भी दो टर्म है सेवेंथ एंड 44th, आप इन दोनों को ऐड कर, ठीक है, मतलब T7 और T44 दे रखा है राइट, तो आप इन दोनों के सब्सक्रिप्ट को ऐड कर लो, इन दोनों को आप ऐड कर लो राइट, कितना आता है ऐड करने पे 51, विच इज वन मोर देन द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर वो वन मोर देन द नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा दैट मीन्स दे आर इक्विडिस्टेंट, वन मोर देन नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऐसा आ जाएगा दैट मीन्स दे आर इक्विडिस्टेंट, ये चेक करने का तरीका है। और जैसे ही ये दिख गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई भाई, मेरे को क्या करना है फिर तो, फिर तो मेरे को इसको और इसको जोड़ना है, क्योंकि जो इन दोनों का सम होगा वही हर पेयर का सम होगा, तो मेरे को खाली नंबर ऑफ पेयर्स को इससे गुणा करना है, एंड दैट इज माय आंसर। सो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, 1/13 प्लस 38/13 निकालूंगा, विच इज 39/13, विच इज 3, 13 3 39, इसका मतलब ईच पेयर का सम कितना है, इतना। और कितने पेयर्स हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर्स, इट इज 50/2, क्योंकि 50 टर्म्स है तो पेयर 25 बने, तो भाई व्हाट इज माय सम, व्हाट इज माय सम, माय सम इज 3 × 25 व्हिच इज 75। सो सी इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगर हम इस कॉन्सेप्ट से चले, ठीक है। सो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, फर्स्ट वाला तो जनरल फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला इज व्हेन यू हैव इक्विडिस्टेंट टर्म्स, या आपको लास्ट टर्म दे रखा, ठीक है। इस सम ऑफ एन टर्म्स पे बेस्ड भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहले तो अपन दो स्टैंडर्ड सीरीज लिख लेते हैं,
जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स कितना होगा, तो आपको दिखता है ये एपी है, ठीक है? तो आप इसमें एपी का फॉर्मूला लगा सकते हो। कितने टर्म्स है भाई? एन, तो एन अपॉन टू, टू ए फर्स्ट टर्म कितना है, टू फर्स्ट टर्म 1 है, 2 इंटू 1, ठीक है? प्लस एन माइनस 1, डी कितना है, डी भी 1 है। इसको देखो आप सॉल्व करते हो तो एन बाई टू ऊपर कितना आ रहा है, 2 प्लस एन माइनस 1, जिसको आप सॉल्व करते हो तो एन बाई टू और ऊपर कितना आता है, n+1। एंड दैट इज माई फॉर्मूला, इट इज n(n+1)/2। इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, ठीक है, कि 1 से लेके n जब भी ऐड करना होगा आपका आंसर कितना आता है, n(n+1)/2। यानी आपसे कोई बोले भी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम कितना है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का, तो आपको सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 से लेके 100 को ऐड करना है, राइट? तो 1 से 100 ऐड करेंगे तो भाई आंसर क्या लिखेंगे, सीधा 100 × 101/2, विच इज 5050, ठीक है? दैट सिंपल। दूसरी स्टैंडर्ड सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन एन टर्म्स। अब इस सीरीज को ध्यान से देखो, ये आपको ऑड नंबर्स की सीरीज दिखती, ऑड नंबर्स की सीरीज दिखती, ऑड नंबर्स की सीरीज भी तो एक एपी हुई, तो इस पे भी मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एन बाई टू, टू ए 2 इंटू 1 प्लस n-1 × d। यहाँ पे d कितना है, 2, ठीक है? इसको आप सॉल्व करते हो अगर, तो एन बाई टू अंदर आ रहा है 2 प्लस 2n-2, मतलब ये हुआ कि n/2 × 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, n² और ये मेरा दूसरा फॉर्मूला है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर n ऑड नंबर्स को ऐड करना है तो आपका आंसर n² आएगा, n ऑड नंबर्स का सम n² आता है। जैसे मैं बोल दूं कि भाई व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू 31, मैं आपसे पूछूं इस सीरीज का सम क्या है, तो आपको खाली ये पता लगाना है कि 1 से 31 कितने ऑड नंबर है, जितने ऑड नंबर उसी का स्क्वायर आंसर। तो 1 से 30 कितने होते हैं, 15, तो 1 से 31 कितने होंगे, 16, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका आंसर, 16 का स्क्वायर, विच इज 256, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं सवाल, काउंट करो कितने ऑड नंबर्स है उसी का स्क्वायर आपका आंसर, ठीक है? सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि एपी फॉलो करती है। दूसरी बात, एपी का जो सम होता है, सम ऑफ एपी इज ऑलवेज क्वाड्रेटिक, वो तो आपको दिख ही रहा है फॉर्मूले में, हमेशा एन की पावर जो है वो 2 आ रही है। देखो आपका फॉर्मूला क्या था, n/2 2a+n-1t, ये फॉर्मूला था ना, ठीक है? इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट को, तो ये एन जब इस एन से मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वायर बन जाएगा, और एन स्क्वायर का मतलब क्वाड्रेटिक हो गया। तो हमेशा ध्यान रखो, सम ऑफ एपी हमेशा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है, ठीक है? और इसके लिए मेरे पास फिर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला, जो कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसका डबल मेरे को डी दे देगा, एन स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल मेरे को डी दे देगा। और दूसरा, टू फाइंड ए आई विल पुट एन इक्वल टू 1, ये वही ट्रिक है जो पहले बताई थी, टू फाइंड ए पुट एन इक्वल टू 1, ठीक है? जैसे आपको अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई मेरे पास एक एपी है जिसका कि सम ऑफ एन टर्म्स, या एपी मैं नहीं भी दूं तो भी आपको पता है कि वो एपी होगी अगर मैं क्वाड्रेटिक दे दूं। तो जैसे मैंने बोला सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n² - 3, ठीक है? और तो इससे क्या क्या कॉन्क्लूजन मैं आप निकाल सकता हूँ, मैं इसका ए निकाल सकता हूँ, मैं इसका डी निकाल सकता हूँ। ए निकालने के लिए मेरे को, क्योंकि ए और डी चाहिए होते हैं, राइट? तो अब ए निकालने के लिए मेरे को एन को क्या रखना है खाली, सॉरी 5n² - 3n, हाँ करेक्शन कर लेना, 5n² - 3n। अब अगर मैं इसमें ए निकालने के लिए एन को 1 डाल, इसमें एन को क्या डाल दे, 1, तो फिर क्या आता है, 5 - 3 विच इज 2, ये तो मेरी एपी का फर्स्ट टर्म। डी निकालने के लिए मैंने क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर का डबल, देखो जरा एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 5, 5 का डबल करोगे व्हाट यू गेट, 10। ए और डी दोनों आ गए, अब ए और डी दोनों आ गए तो भाई जो मर्जी निकाल सकते हैं। जैसे वो मेरे से बोल देता है इस सवाल में कि भाई इसका 9th टर्म निकालो, फाइंड द 9th टर्म ऑफ दिस एपी, तो मेरे को कुछ नहीं करना था, T9 लिखना था, T9 का फॉर्मूला मुझे पता है, a+8d होता है, राइट? मुझे ए और डी दोनों पता है, तो मैं 2 + 8 × 10 कर दूंगा, सो माई आंसर इज 82, इट बिकम्स वेरी सिंपल, ठीक है? तो ये दो ट्रिक्स ध्यान रखेंगे हम, एक तो ली एक तो जनरल टर्म के लिए जो ट्रिक बताई, और एक सम ऑफ एन टर्म्स के लिए जो ट्रिक बताई। इसके अलावा अगर आपको कभी ऐसा दे दे कि भाई सम ऑफ पी टर्म्स इक्वल्स सम ऑफ क्यू टर्म्स, ये सब ट्रिक्स चल रही है सम ऑफ एन टर्म्स,
सम ऑफ पी टर्म्स अगर सम ऑफ क्यू टर्म्स के बराबर है, ठीक है, एपी में, तो आप बोल सकते हो कि जो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स होगा, इन्हीं दोनों टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का सम, अगर पी प्लस क्यू टर्म्स का सम पूछेगा तो आपका आंसर हमेशा जीरो आए। सम ऑफ पी टर्म्स अगर सम ऑफ क्यू टर्म्स के बराबर है तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स हमेशा जीरो आए। जैसे मैं आपको बोल दूं कि एक एपी है, ठीक है, उस एपी में सम ऑफ 20 टर्म्स इक्वल्स सम ऑफ 30 टर्म्स, और मैं आपसे पूछ लूं कि भाई व्हाट विल बी द सम ऑफ 50 टर्म्स, तो अब इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा आंसर क्या बोलोगे, 20। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सुपर ट्रिक, ठीक है। ऐसी ही एक और ट्रिक है हमारे पास, विच इज सम ऑफ पी टर्म्स अगर क्यू दिया एंड सम ऑफ क्यू टर्म्स अगर पी दिया, मतलब अदला बदली हो रही है, पी टर्म्स का सम क्यू है, क्यू टर्म्स का सम पी है, तो फिर आप बोलोगे कि सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, इस बार भी पी प्लस क्यू टर्म्स का ही सम मांगा है, लेकिन इस बार आंसर होगा माइनस ऑफ पी प्लस क्यू, यानी जो पूछा है उसी का नेगेटिव। उसने पूछा 20 टर्म्स का सम निकालो, उसका आंसर नेगेटिव नेगेटिव 20 हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई एपी है और मैं बोलूं कि भाई सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू 20, ठीक है, एंड सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू 10, समझ गए ना, अदला बदली हुई, देखो 10 यहां जाके आ गया और 20 यहां जाके आ गया, राइट। तो फिर अगर आपसे पूछेगा कि भाई व्हाट इज द सम ऑफ 30 टर्म्स, तो फिर अगेन हम कुछ बिना सॉल्व करे बोल देंगे -30, जो पूछा उसी का नेगेटिव, ठीक है। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फ्रॉम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब इस पे देखो और भी बहुत सारे तरीके के सवाल बन सकते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट गिव अ रिमाइंडर ऑफ दैट गिव अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट गिव अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब पहली बात तो 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो चालू कहाँ से होगा, 100 से खत्म कहाँ पे होगा, 999। इसमें से हमें वो नंबर उठाने जिनको 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर छूटता हो, तो भाई 100 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर छूटेगा ही नहीं, क्योंकि 100 तो डिविजिबल, लेकिन मुझे रिमाइंडर कितना छूटना है, 3, यानी मुझे 3 नंबर आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट इज माई फर्स्ट नंबर विच क्वालिफाइज दिस क्राइटेरिया, 103। 103 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर छूटेगा, राइट। अच्छा, अब अगला डेफिनेटली 108 आएगा, फिर 113 आएगा, एंड सो ऑन। कारण बिकॉज रिमाइंडर जो है वो तो पैटर्न फॉलो करते हैं ना, जैसे 103 अगर 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो 104 चार छोड़ेगा, 105 जीरो छोड़ेगा, 106 एक छोड़ेगा, 107 दो छोड़ेगा, 108 वापस 3 छोड़ेगा, तो इसलिए 5-5 के गैप में आएंगे, यानी ये जो डिवाइजर होता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस भी होता है, ऑलवेज डिवाइजर ही कॉमन डिफरेंस होता है, तो इसीलिए ये टर्म्स लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको किससे मतलब है, खाली पहले और आखिरी से, ये हम पहले ही देख चुके हैं, तो हमें खाली अब आखिरी टर्म लिखना है। अब हम अगर 999 को डिवाइड करें 5 से, तो हमें पता है 995 तो डिविजिबल होता है, तो फिर 3 का रिमाइंडर छोड़ने के लिए लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, 998, ठीक है, 998 शुड बी आर लास्ट टर्म। बस तो ठीक है भाई, मेरे को फर्स्ट टर्म पता पड़ गया, लास्ट टर्म पता पड़ गया, अब मुझे एक और चीज क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक ट्रिक है, जो कि कौन सी थी, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस वन, ये ट्रिक थी कि नहीं थी। लास्ट टर्म कितना है मेरा 998, फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 103, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 प्लस 1, ये मेरा नंबर ऑफ टर्म्स आ गया, तो ऊपर तो आ रहा है 895 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, ठीक है, तो कितना आ गया भाई, 895 बाय 5 ये हो गया 515 7 एंड 5 9 प्लस 1, 180 आ रहा है, ठीक है, वी गेटिंग 180। सो 180 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गया, फर्स्ट और लास्ट आ गया, तो भाई सम ऑफ 180 टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, 180 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 103, लास्ट टर्म है 99,
ठीक है, तो ये आ रहा है अपना 90 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना आ गया तुम्हारा 1101, 1101 इंटू 90 करते तो कितना आता है देखो, 99090, 99090, दैट इज योर आंसर। ओके, फिर अगर आपको कभी भी ऐसा हो कि भाई 3 टर्म्स इन एपी ले लें, ऑलराइट, 3 टर्म्स इन एपी आपको दे रखे हैं ए बी एंड सी, आपको बताया कि भाई ये 3 टर्म्स एबीसी एपी में है, तो फिर आप हमेशा एक बात बोल सकते हो दैट 2B विल बी इक्वल टू ए प्लस सी, यानी बीच वाले का डबल हमेशा फर्स्ट प्लस थर्ड होता है। अब ये 3 टर्म कैसे भी टर्म्स हो सकते हैं, एक्स वाई जेड के टर्म्स में हो सकते हैं, लॉग हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है 3 नंबर अगर एपी में है तो बीच वाले का डबल हमेशा फर्स्ट प्लस थर्ड होता है। क्यों होता है, उसका कारण सिंपल है ना, क्योंकि भाई हमें पता है कि बी माइनस ए जो होगा वही सी माइनस बी होगा, उसको सॉल्व करके हमारे पास 2B इक्वल टू ए प्लस सी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें कभी 3 नंबर एपी में चुनने हो, सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स इन एपी, सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स इन एपी आपको अगर चुनने हो, ये तो तब था भाई सवाल दे दिया, अगर मान लो हमें चुनना पड़े कि भाई 3 नंबर एपी में उनका सम इतना है, उनका प्रोडक्ट इतना है, नंबर क्या हो, ऐसा सवाल, तो फिर आपको जब भी 3 टर्म एपी में चुनने हो तो आपको क्या चुनने चाहिए। वैसे तो आप ए ए प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस 2D चुन सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं, डेफिनेटली ये तीनों टर्म एपी में होते हैं, लेकिन ज्यादा इजी कैलकुलेशन के लिए कौन सा होता है, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, दिस इज अ बेटर सिलेक्शन क्योंकि इसमें कैलकुलेशन फास्ट होती है, तो ये बेटर है, ठीक है। सही वो भी है ये भी है, आप ये वाला चुनोगे तो जल्दी सॉल्व होगा। तो 3 टर्म्स इन एपी आपको जब भी लेने हो आप क्या लिया करो, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, ठीक है। और जब 3 टर्म एपी में दे रखे हो तो बीच वाले का डबल फर्स्ट प्लस थर्ड कर दिया। चलो पहले मैं इस पे एक सवाल करा देता हूँ, जैसे मैं ऐसा बोलता कि इफ 3x+21 कॉमा 7-x एंड लेट से 2x-11 आर इन एपी, फाइंड एक्स। देखो जैसे ये सवाल, अब इसमें मैंने बोला कि वे 3 नंबर है वो एपी में, 3 नंबर अगर एपी में है तो बीच वाले का डबल क्या होगा, फर्स्ट प्लस थर्ड, तो बीच वाले का डबल मतलब आप बोलोगे ट्वाइस ऑफ 7-x इज इक्वल टू, पहला नंबर क्या है 3x+21, दूसरा नंबर क्या है 2x-11, ये हुए ना 2 नंबर, बीच वाले का डबल इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, तो आपने बोला 7 2 14 -2x = 3x+2x कितना हो गया 5x, 21-11 कितना हो गया 10, राइट। अब ये 2x तो हम यहाँ भेज देते हैं, 10 हम यहाँ भेज देते हैं, तो अपने पास इधर तो आ गया 14-10 और इधर आ गया 5x+2x, तो व्हाट इज लेफ्ट हियर 10 सॉरी 4 एंड व्हाट इज लेफ्ट हियर 7x, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स दैट वी गेट 4/7, वो मेरा आंसर, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 4/7, हैव यू अंडरस्टूड। तो ऐसे कोई भी 3 टर्म दे देगा एपी में, मेरे को क्या करना है, फर्स्ट प्लस थर्ड इक्वल टू सेकेंड का डबल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज अरिथमेटिक मीन्स, जिसको हम एएम भी बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन्स। ओके, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है कि जैसे भाई मान लो मैं बोलता हूँ कि ए और बी 2 नंबर है, ठीक है, और इनके बीच में मैंने एक नंबर ए डाला जिससे कि ये सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाए, एपी में, तो फिर इस कैपिटल ए को मैं बोलता हूँ अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, मतलब 2 नंबर के बीच में जो नंबर हम डालते हैं जिससे कि तीनों नंबर एपी में बदल जाते हैं उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, और इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है एवरेज, अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट एवरेज, ठीक है। तो आपको अगर कोई बोलेगा कि भाई ए और बी का एवरेज कितना होता है, तो आप ए प्लस बी बाय 2 बोलोगे कि नहीं बोलोगे, उसी को हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। आपसे कोई बोलेगा कि भाई व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड सी, 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। आपसे कोई बोलेगा कि भाई मेरे को तो 4 नंबर का अरिथमेटिक मीन चाहिए, ठीक है, और वो 4 नंबर मान लो ऐसे हैं 3x, 5y, 7z, 9w, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि इन सबको ऐड कर लो 3x+5y+7z+9w और उसको किससे डिवाइड कर दो 4 से, दैट इज योर आंसर, हैव यू अंडरस्टूड। सो अरिथमेटिक मीन का मतलब सिर्फ क्या होता है, एवरेज। नाउ अरिथमेटिक मीन्स में एक और चीज हमें आनी चाहिए, विच इज एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स। ये तो क्या था कि 2 नंबर्स के बीच में एक अरिथमेटिक मीन डाला था,
है ना, बीच में एक नंबर डाला था, भले 3 नंबर हो तो भी एक बीच में नंबर डाला, 4 नंबर है तो भी बीच में एक नंबर डाला, 2 है तो भी बीच में एक नंबर डाला, अब की बार मैं 2 नंबर के बीच में एन नंबर डालूंगा, लेकिन वो सब अरिथमेटिक मीन है, इसका मतलब सीरीज एपी ही बनेगी। तो अब की बार मैं ये बोल रहा हूँ कि ए और बी 2 नंबर है, उनके बीच में मैंने एन अरिथमेटिक मीन डाल दी, a1 a2 a3 एंड सो ऑन, कितने an, तो इन सबको हम क्या नाम देंगे, अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया और ये मेरा लास्ट टर्म हो गया, दिस इज माई फर्स्ट टर्म एंड दिस इज माई लास्ट टर्म, मतलब ऑब्वियसली मेरी सीरीज किस में होगी, एपी में, तभी हम उसको अरिथमेटिक मीन नाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा कभी भी आता है तो एक सिंगल फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है, विच इज डी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला पहले लगा कि कॉमन डिफरेंस निकाल लो इस सीरीज का, भाई एपी है ना तो एपी में कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म तो वैसे ही दे रखा है ए, खाली हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। एन क्या है, नंबर ऑफ मीन्स, कितने मीन्स डाले ना बीच में, वो है, ठीक है। सो आप सबसे पहले डी निकाल लो। अब देखो आपको अगर डी पता है तो अब आपकी मर्जी है जो निकाल सकते हो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई व्हाट इज द सेकंड अरिथमेटिक मीन, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो सेकंड अरिथमेटिक मीन सीरीज का कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म एपी का क्या होता है, ए प्लस टू डी, होता है कि नहीं होता है। अब हमें ए पता है डी पता है तो हम ये निकाल लेंगे। सिमिलरली मान लो मैं आपसे पूछता ए फाइव निकालो, अब ए फाइव ये सीरीज का कौन सा टर्म है, पांचवा नहीं है छठा है, छठा टर्म सीरीज का क्या होता है, ए प्लस फाइव डी। तो अब इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि ए आर इज नथिंग बट ए प्लस आर डी, है कि नहीं। तो कोई सा भी अरिथमेटिक मीन वो मेरे से पूछता है, आई कैन फाइंड आउट ए प्लस आर डी करके, ठीक है। इन एन अरिथमेटिक मीन्स के बारे में एक प्रॉपर्टी और है कि अगर आप इन एन अरिथमेटिक मीन्स का सम लोगे तो वो हमेशा एन टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन आएगा, और ये वापस वही प्रॉपर्टी है वो इक्विडिस्टेंट वाली जो मैंने सम में पढ़ाई थी, कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स लोगे तो वो हमेशा एन टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन आएगा। क्यों आएगा भाई, सिंपल सी बात है, आप समझो, अगर आप सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स ले रहे हो, मतलब आप ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस एंड सो ऑन कर रहे हो, है कि नहीं, तो ये भी तो सीरीज एपी ही है, तो अगर मैं इसमें फर्स्ट और लास्ट का सम लू, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम लू एंड सो ऑन, अगर सारे सम लेने लग जाऊं तो ये जो सारे के सारे सम हुए ये बेसिकली फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर हुए, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं एपी में हमेशा ही होता है, और फर्स्ट और लास्ट का जो भी सम है, ठीक है, वो ए प्लस बी है मेरा, क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरा ए है और लास्ट टर्म मेरा बी, ठीक है। तो फिर ये जो एन अरिथमेटिक मीन्स हुए इनमें कितने पेयर्स बन जाएंगे, एन बाय टू, ठीक है, तो इनका जो सम होगा वो एन बाय टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा, नंबर ऑफ पेयर्स इनटू फर्स्ट प्लस लास्ट, यही फॉर्मूला था, इसीलिए ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। देखो इसको अब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एन इंटू ए प्लस बी बाय टू, और ए प्लस बी बाय टू तो सिंगल अरिथमेटिक मीन एवरेज होता है कि नहीं होता, इसीलिए आपका फॉर्मूला बनता है सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स इज एन टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ में आ गया तो ठीक है, वरना ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा सकते हैं, फाइन। अब इस पे देखो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं आपसे ऐसा बोलूं कि इंसर्ट फाइव अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 24 एंड 60, ठीक है। मैंने बोला इंसर्ट फाइव अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 24 एंड 60, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि 24 और 60 के बीच में आपको कितने नंबर डालने हैं भाई, पांच, 1 2 3 4 5, जिससे कि ये सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाए, एपी में, इस सवाल का ये मतलब। तो बस सीधा हम तो सीधा क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, व्हाट इज आर लास्ट टर्म 60, व्हाट इज आर फर्स्ट टर्म 24, अपॉन व्हाट इज आर एन 5, तो नीचे क्या लिखना है 5 प्लस 1, फॉर्मूला देख लो, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ऊपर कितना आ रहा है 36, नीचे कितना आ रहा है 6, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 6, कॉमन डिफरेंस 6 होते ही तो बहुत सिंपल हो गया, अब हर बार मेरे को 6 6 जोड़ता जाना है, तो मेरा पहला टर्म है 24, तो अगला क्या होगा 30, अगला 36, अगला 42, अगला 48 और लास्ट 54, सो दीज आर माई फाइव अरिथमेटिक मीन्स, ये मेरा आंसर है। इस तरीके के सवाल में तो सीधा ऑप्शन से कर लेंगे, ऑप्शन देख के पता पड़ जाएगा कौन सी सीरीज एपी में है, जो सीरीज एपी में होगी वही आंसर होगा, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि सवाल ऐसा हो कि भाई मैं आपसे ये बोल दूं कि फाइंड सम ऑफ 10 AMs इंसर्टेड बिटवीन
20 एंड 100। अब इस सवाल का मतलब क्या हुआ कि भाई 20 और 100 के बीच में मैंने कितने अरिथमेटिक मीन डाल दिए, 10, A1, A2, A3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, A10 तक, राइट। और मैं आपसे इन 10 का सम पूछ रहा हूँ, तो आप इमीडिएटली ये प्रॉपर्टी यूज करोगे और आप बोलोगे कि सम ऑफ एन एम्स इज इक्वल टू एन टाइम्स, एन यहाँ पे कितना है 10, तो 10 गुणा सिंगल ए एम। वॉट इज द सिंगल ए एम बिटवीन 20 एंड 100? इट इज द एवरेज ऑफ 20 एंड 100, राइट। तो 20 और 100 का एवरेज लेंगे और उसको 10 से गुणा कर देंगे, तो सिंपल सी बात है, ये 2 इस 10 से कटेगा, तो 5 गुणा 120, व्हाट इज माय आंसर, 600। तो उसके लिए मेरे को इस फॉर्मूले की एक्चुअली जरूरत ही नहीं, मैं सिंपली ये सोचू कि मेरा पहला टर्म 20 है, आखिरी टर्म 100 है, व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू, 120। तो फिर अब जो बीच वाले 10 अरिथमेटिक मीन है उनमें भी हर पेयर का सम 120 120 120 120 होगा, कितने पेयर बनेंगे, 5, तो 120 गुणा 5 600। नाउ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, जीपी किस टाइप की सीरीज होती है, एनथ टर्म पे अभी आते हैं, जीपी कैसी सीरीज होती है जहाँ पे इस तरीके के टर्म्स हो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, देर इज अ कॉमन रेशियो, तो ए को तो हम फिर से क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, ठीक है, और यहाँ पे आर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब हर टर्म का पिछले टर्म से जो रेशियो है वो हमेशा सेम आता है। इसके लिए भी वही है, आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास देखो आ रहा है, आप इसको इससे डिवाइड करो आपके पास आ रहा है, तो इस बार हर टर्म का पिछले टर्म से डिवीजन आ रहा है, मतलब हर बार एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो जाके हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है। सो दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे आपको ये सीरीज दो मैं, 1 2 4 8 16, तो इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बिकॉज हर बार क्या गुणा हो रहा है, 2 गुणा हो रहा है, राइट। इस तरीके की सीरीज को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फाइन, तो अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म की बात करें, सबसे पहली बात nth टर्म, तो इसका जो tn का फॉर्मूला होता है वो होता है AR की पावर n-1, तो द जनरल टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज AR की पावर n-1। ऑलराइट, मतलब आपको जो भी टर्म लिखना है उससे एक कम आपको पावर में डालना पड़ेगा, जो भी लिखना है उससे एक कम पावर में डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको लिखना है 10वां टर्म तो आप लिखोगे AR की पावर 9, आपको लिखना है 25वां टर्म आप लिखोगे AR की पावर 24 एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि भाई फाइंड, लेट्स से 10th टर्म ऑफ द जीपी, √2, 8 कॉमा 16 √2 एंड सो ऑन। सपोज मैं आपको बोलूं कि इस सीरीज का 10th टर्म निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, आप बोलोगे कि इसका ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, 2√2, कॉमन रेशियो के लिए आप इसको इससे डिवाइड करोगे तभी कॉमन रेशियो आता है, तो 8 अपॉन क्या करोगे, 2√2, 8 अपॉन 2√2 में देखो ये 2 से कट गया 4, तो कितना आया, 4 अपॉन √2, ठीक है। अब अगर मेरे पास ए और आर आ गए तो मेरे को कौन सा टर्म चाहिए, 10वां, तो मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, AR की पावर 9, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ए की वैल्यू कितनी, 2√2, और आर की वैल्यू कितनी, 4 अपॉन √2, और उसकी पावर कितनी लेनी, 9। दैट शुड बी माई आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं, तो मैंने इसको लिखा 2√2 इन 2। अब ये 4 अपॉन √2 को ध्यान से देखो, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √2 से, रैशनलाइज करने के लिए, ठीक है, मतलब नीचे से √2 हटाना है तो ऊपर नीचे √2 गुणा कर दिया। अब √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है, तो ये हो गया 2√2 इंटू 4√2 अपॉन 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अब मेरे पास 2√2 की पावर 9 बची इधर, और इधर 2√2 बचा है, तो 2√2 की ओवरऑल पावर कितनी हो गई, 10, एक पावर इधर है, 9 पावर उधर है, टोटल पावर कितनी हो गई, 10। सो माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2√2 टू द पावर 10, जिसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बिकॉज इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 10, और √2 की पावर 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो 2 का मतलब तो 2 की पावर 10, और √2 का मतलब 2 की पावर 5, तो टोटल 2 की पावर कितना हो गया, 15। तो आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 2 टू द पावर 15, दैट विल बी योर 10th टर्म ऑफ द जीपी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें इंडाइसेस वाला रोल आएगा, जो इंडाइसेस एंड सर्च चैप्टर अगर आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पुराने वाले वन शॉट रिवीजन की सीरीज को देखो, तो इंडाइसेस सर्च का थोड़ा सा रोल यहाँ पे जरूर आएगा जीपी के सवाल।
ठीक है। अच्छा, जीपी में अगेन यू मे हैव आर 0 से 1 के बीच में, आर 0 से छोटा या फिर आर 1 से बड़ा, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर आर 0 से 1 के बीच में है तो हम बोलते हैं कि हमारी जो जीपी होगी वो डिक्रीजिंग जीपी होगी। अगर 0 से 1 के बीच में हमारा आर है तो डिक्रीजिंग जीपी होती है, ठीक है। और आर अगर हमारा 1 से बड़ा है तो हम बोलते हैं इंक्रीजिंग जीपी होती है, क्योंकि हमारे टर्म्स बढ़ते हैं। जैसे आप अगर ये सीरीज देखो 1, 2, 4, 8, देखो इस सीरीज को देखो, आपके टर्म्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपका आर कितना है? 2, जो कि 1 से बड़ा है। आप अगर ये वाली सीरीज देखो 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन, इस सीरीज को देखो, आपके टर्म्स घट रहे हैं, तो ये डिक्रीजिंग जीपी है। क्यों घट रहे हैं? क्योंकि आपका जो आर है वो 1 से छोटा है, 1/2 है, राइट। तो 1 से छोटा लेकिन पॉजिटिव आर पे डिक्रीजिंग जीपी होती है, आर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग जीपी होती है। तो फिर आर लेस देन 0 पे क्या होता है? नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होती है। न तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग, न हम बोलेंगे डिक्रीजिंग, क्योंकि इस केस में ऑल्टरनेट प्लस माइनस टर्म्स आते हैं, मतलब ऑल्टरनेटली इंक्रीज डिक्रीज होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका आर नेगेटिव है यू विल गेट ऑल्टरनेट प्लस माइनस टर्म्स, और यही उसकी पहचान है कि आर नेगेटिव है, ठीक है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस टर्म दिख जाए मतलब आर नेगेटिव, ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर मैं आपको ऐसा दूं कि भाई फाइन, प्रोडक्ट ऑफ सेवन टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज फोर्थ टर्म इज 2, मैंने आपसे बोला फाइंड प्रोडक्ट ऑफ सेवन टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज फोर्थ टर्म इज 2, ठीक है। तो अभी देखो 7 टर्म्स का प्रोडक्ट लाना है, T1, T2, T3, T4, T5, T6 और T7, 7 टर्म्स का प्रोडक्ट लाना है। उसमें से चौथा टर्म क्या दे रखा है? 2। अब अगर अपन इस चौथे टर्म्स को ही बेस लेके चले, क्योंकि और तो कुछ मुझे पता ही नहीं, तो फिर इसके आगे आने वाला हर टर्म किससे गुणा होता जाएगा? आर से। और पीछे जाने वाला हर टर्म किससे डिवाइड होता जाएगा? आर से। बिल्कुल जैसा एपी में होता था, आगे जाने पे डी जोड़ता है, पीछे जाने पे डी घटता है। यहाँ पे आगे जाने पे आर मल्टीप्लाई होता है, पीछे आने पे आर डिवाइड होता है। तो अगर मैं इससे अगले टर्म पे आऊंगा तो 2R होगा, उससे अगले टर्म पे आऊंगा 2R² होगा, और उससे अगले टर्म पे आऊंगा तो 2R³ होगा, इससे पीछे जाऊंगा तो 2R होगा, इससे पीछे जाऊंगा तो 2R² होगा, और उससे पीछे जाऊंगा तो 2R³ होगा। कैन वी से दैट? और अगर हम ये बोलते हैं तो भाई इन सब का अगर मेरे को प्रोडक्ट लेना है तो ध्यान से देखो, जो R³ नीचे है वही R³ ऊपर आया बाद में, जो R² नीचे है वही R² ऊपर आया बाद में, जो R नीचे है वही R ऊपर आया बाद में, यानी R तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा तो 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार? 7 बार। सो विल माई आंसर बी 2 की पावर 7, विच इज 128? दैट इज माई आंसर, और नॉट? सो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ऐसा क्यों हुआ समझो, इसलिए इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि 7 टर्म्स का प्रोडक्ट मांगा था, ठीक है, और उसका मिडल टर्म दिया हुआ, हर कुछ दे देता तो सॉल्व नहीं होता। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक निकल के आती है, दैट प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज मिडिल टर्म, अच्छा आप मिडिल टर्म दे रहा हूं मतलब एक मिडिल टर्म है, एक मिडिल टर्म है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, वरना तो 2 मिडिल टर्म होते हैं, इसलिए ये तो अंडरस्टूड है कि ऐसा उसी जीपी में ट्रू है जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज मिडिल टर्म इज के की पावर एन, सीधा सीधा रिजल्ट, यानी जो मिडिल टर्म दिया है उसी की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कर दो। मतलब अब इस सवाल को देखते ही मैं आंसर दे सकता था कि भाई 2 की पावर में क्या लिखना है? 7, दैट्स माय आंसर। तो ऐसे सवाल में अब आगे से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सम ऑफ एन टर्म्स। नाउ फॉर सम ऑफ एन टर्म्स व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव फॉर अ जीपी? लेट्स सी, सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स को हम अगर एस एन से डिनोट करें तो फॉर्मूला इज ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या ए 1 - RN अपॉन 1 - R, कुछ भी लिख लो एक ही बात। ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। नॉर्मली यू विल यूज दिस फॉर्मूला व्हेन योर आर इज मोर देन 1 एंड यूज दिस फॉर्मूला व्हेन योर आर इज लेस देन 1। वैसे तो दोनों सेम फॉर्मूले, लेकिन पहला वाला यूज करो तो ज्यादा बेटर है क्योंकि नेगेटिव नहीं आएगा जब आर 1 से बड़ा है। दूसरा
दूसरा वाला यूज करो जब R1 से छोटा है ताकि नेगेटिव नहीं आए, बस बाकी तो दोनों में से कोई भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। जैसे मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि भाई इस जीपी का सम निकालना है, 3 + 6 + 12 + एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स, ठीक है, इस जीपी का सम निकालना। अब आप इस जीपी को ध्यान से देखो तो इसमें हर बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब साफ हो गया, इसका फर्स्ट टर्म तो 3 है, कॉमन रेशियो इसका 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स इसके 20 है। ये तीनों बातें पता है तो अब सीधा फॉर्मूला लगाया S20 का। क्या फॉर्मूला है भाई? A 3, R1 से बड़ा है तो मैं पहला फॉर्मूला लगा, तो 2 की पावर में क्या जाएगा, 20 माइनस कितना, 1 / 2 - 1, ठीक है, 2 - 1 तो 1 होता है, तो आंसर हो गया 3 × 2 की पावर 20 - 1, दैट इज माई आंसर, दैट इज द सम ऑफ दिस जीपी, ठीक है। एक और वेरिएशन देख लेते हैं, जैसे मैं बोलूं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 2, 4, 8 एंड सो ऑन बी एडेड टू गिव अ सम ऑफ 4,094, ओके। ऐसा सवाल, अब रिवर्स क्वेश्चन है, आपको सम तो दे रखा है, आपको बताना कितने टर्म्स है जीपी, ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। तो क्या क्या दे रखा है हमें, हमें ए दे रखा है 2, हमें आर भी दिख रहा है 2, और हमें SN दे रखा है 4,094, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एन कितना होगा, कितने टर्म्स हमें चाहिए, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। सो लेट स्टार्ट विद द फॉर्मूला ऑफ SN। सो SN का फॉर्मूला क्या है भाई, कि 4,094 जो मेरा है वो किसके बराबर होगा, ए कितना है 2, आर कितना है 2, तो 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 - 1, ये लिख सकता हूँ, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी क्या हुआ भाई, 4,094 इज इक्वल टू 2 × 2 की पावर n - 1, नीचे तो 1 बचा, 2 से इसको काट सकते हैं, ये आता है 2,047, ठीक है। अब मेरे पास आ रहा है 2,047 इज इक्वल टू 2 की पावर n - 1, 1 को इधर शिफ्ट किया तो ये हो गया 2,048 बराबर 2 की पावर n। अब आप बताओ कौन सी 2 की पावर n में 2,048 आता है, 11। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11, देयर आर 11 टर्म्स, ठीक है। तो रिवर्स क्वेश्चन भी हो सकता है और बाकी डायरेक्ट जीपी का सब निकालने को भी आ सकता है, क्लियर। नाउ इसमें एक स्पेशल केस और बनता है विच इज इनफाइनाइट जीपी। जीपी के केस में एक और केस बनता है विच इज इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। अब इनफाइनाइट जीपी का मतलब ये हो गया कि भाई आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इन्फिनिटी की तरफ जाए, इन सब में तो क्या है नंबर ऑफ फाइनाइट टर्म्स है। अब इनफाइनाइट टर्म्स देते तो जैसे जीपी तो वही रहेगी, a, ar, ar² एंड सो ऑन, जीपी वही, लेकिन टर्म्स कितने हैं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट टर्म्स, तो जब भी एंड सो ऑन करके छोड़ देंगे और कुछ लिखेंगे नहीं, इसका मतलब इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। अब आप ध्यान रखो कि इनफाइनाइट टर्म्स की जो जीपी होती है उसका जो सम होता है, अगर हम उसको एस इनफिनिटी लिखें तो द फॉर्मूला इज a/(1 - r), द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इज a/(1 - r). लेकिन ये भी ध्यान रखो कि ये तभी वैलिड है जब आपका आर जो है वो -1 से 1 के बीच में हो, वरना ये सम वैलिड नहीं है। जैसे कोई आपसे बोलेगा कि भाई 1 + 2 + 4 + 8 + निकाल लो इसको इन्फिनिटी तक, तो क्या आप इसका सम निकाल सकते हो, 1 से लेके 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन जोड़ना चालू करो इन्फिनिटी तक, तो देखो ये सम बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, ये तो टर्म्स बढ़ते हुए इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है, तो ये तो बढ़ते 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 कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो भाई इसका तो सम डेफिनेटली इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो यानी इसका सम एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन, ये निकाल, तो इसका सम एग्जिस्ट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये घटता हुआ सम, इसमें टर्म्स घट रहे हैं, घट रहे हैं मतलब घटता 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 टर्म फाइनली कहाँ चला जाएगा, जीरो पे, तो इसका कोई ना कोई तो सम आएगा और वही सम हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में फर्क इसलिए आया क्योंकि इसका जो आर था वो 2 था जो कि 1 से बड़ा था, क्योंकि ये इंक्रीजिंग जीपी थी तो इसका सम हम नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका जो आर था वो 1/2 था जो कि 1 से छोटा था और पॉजिटिव था तो इसका सम हम निकाल सकते, ठीक है। ऐसे ही आर अगर नेगेटिव और 1 0 से छोटा मतलब नेगेटिव हो लेकिन -1 से बड़ा हो तो भी हम सम निकाल सकते हैं। तो ये रेंज ध्यान रखना कि -1 से 1 के बीच में ही आप इस जीपी के फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, वरना सम एग्जिस्ट नहीं करेगा।
जैसे अगर ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था, अगर मैं इसी एग्जाम्पल का सम निकालूं, तो भाई मेरे को दिख रहा है मेरा फर्स्ट टर्म कितना है, 1, कॉमन रेशियो कितना है, हाफ, तो मेरा आंसर हो गया ए अपॉन 1 माइनस आर, यानी 1 अपॉन 1 माइनस हाफ, दैट इज 1 अपॉन हाफ, एंड 1 अपॉन हाफ मतलब 2. सो इस जीपी का मेरा सम 2 आएगा. ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी. जैसे मैं आपको ऐसा बोलूं कि इफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन. सपोज ये सीरीज दूं मैं आपको और मैं बोलूं इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड एक्स. ये सवाल, ये सीरीज है, इसका आपको सम निकालना. तो आप क्या करोगे, आपको देखना चाहिए कि यहाँ 1/2 की सीरीज अलग चल रही और 1/3 की सीरीज अलग चल रही, लेकिन चल दोनों इन्फिनिटी तक रही. तो अपन क्या करेंगे, इस एक्स को 2 में स्प्लिट कर देंगे, 1/2 प्लस 1/2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इसको तो अलग कर देंगे, और 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर सॉरी प्लस 1/3 4 प्लस एंड सो ऑन, इसको हम अलग कर देंगे. दोनों चल कहाँ तक रही है, इन्फिनिटी तक, और दोनों जीपी से. ठीक है, सो नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला इन बोथ. तो इसके लिए अगर फॉर्मूला लगाऊं पहली वाली के लिए, तो इसका ए कितना है 1/2, और इसका आर कितना है, वो 1/2 का स्क्वायर है कि नहीं, 1/4 कॉमन रेशियो है. सिमिलरली दूसरी वाली के लिए 1/3 वन ए कितना है, 1/3 स्क्वायर, और आर कितना है, वो भी 1/3 स्क्वायर. ठीक है, तो अब पहली वाली सीरीज तो बनी 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4. दूसरी वाली सीरीज बनी 1/9 अपॉन 1 माइनस 1/9, दैट इज 8/9. तो पहली सीरीज का फाइनल रिजल्ट आ गया, 4 ऊपर गया तो 2/3. ठीक है, और दूसरी सीरीज का फाइनल रिजल्ट आ गया, 9 ऊपर गया तो 1/8. नाउ व्हाट इज 2/3 प्लस 1/8, इफ आई टेक एलसीएम इट इज 24. हियर यू गेट 8 2 16, 16 प्लस 3 19, सो व्हाट इज योर आंसर, 19 अपॉन 24, दैट बिकम्स द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो इस तरीके से दो अलग अलग सीरीज को कंबाइन करके भी इनफाइनाइट जीपी दे सकते हैं. फाइन, ओके, सो एनथ टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स और इनफाइनाइट जीपी, ये तीन चीजें हो गई. नेक्स्ट, थ्री टर्म्स इन जीपी एंड ज्योमेट्रिक मीन्स. सो लेट्स सी, अगर मैं आपको ऐसा दूं, अच्छा इनफाइनाइट जीपी में देखो एक और सवाल देखते हैं. अगर मैं ऐसा दे दूं सपोज कि इफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/27 एंड सो ऑन, एंड वाई इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, फाइंड वाई. सपोज मैं ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इस बार आपको क्या करना है, या लेट मी से फाइंड एक्स वाई. सवाल है फाइंड एक्स वाई, एक्स वाई का प्रोडक्ट निकाल. ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि आपको एक्स और वाई दोनों निकालना है, लेकिन वैसे भी वाई निकालने के लिए हमें एक्स चाहिए, राइट? तो हम पहले एक्स सॉल्व करते हैं. अब एक्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या वो सीरीज जीपी दिख रही है आपको? अब जीपी कैसे दिखेगी भाई, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको कुछ रेशियो मिलेगा, वो आपको -1/3 मिल रहा है, -1/3 मिल रहा है. ठीक है, और जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे नेक्स्ट वाले से, तो भी आपको -1/3 मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज अ जीपी. बट रिमेंबर कॉमन रेशियो इज -1/3. सो जब हम एक्स लिखने जाएंगे तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे ना, ए अपॉन 1 माइनस आर, बिकॉज एंड सो ऑन कहां तक लिखा है, इन्फिनिटी तक, तो इनफाइनाइट जीपी. सो व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म, इट इज 1. व्हाट इज योर कॉमन रेशियो, इट इज -1/3, डोंट फॉरगेट, -1/3. तो ये आया 1 अपॉन 1 प्लस 1/3, विच बिकम्स 1 अपॉन 4/3. 4/3 में 3 ऊपर गया तो दिस बिकम्स 3/4, दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज 3/4. अब अगर ये वैल्यू ऑफ एक्स को यूज करके मैं वाई निकालू, वाई को ध्यान से देखो, 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये वाई है. क्या आपको दिख रहा है ये भी इनफाइनाइट जीपी है? यस, बिकॉज अगर आप इसको इससे डिवाइड करो तो एक्स आता है, और इसको इससे डिवाइड करो तो भी एक्स आता है, यानी कॉमन रेशियो एक्स है. फर्स्ट टर्म 1 है, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इसमें भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, व्हाट इज आर ए 1, व्हाट इज आर एक्स, व्हाट इज आर कॉमन रेशियो, इट इज एक्स. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 3/4 है, यहाँ डाल देते हैं, तो 1 अपॉन 1 माइनस 3/4, व्हाट इज 3/4, इट इज 1 माइनस 3/4, इट इज 1/4, सो दिस बिकम्स 4. इसका मतलब आपके पास वाई का वैल्यू 4 आता है. तो भाई अब बताओ एक्स वाई का वैल्यू कितना आता है, 3 अपॉन 4 इंटू 4, तो व्हाट इज योर आंसर, 3. सो इस सवाल का आंसर मेरा 3 आएगा. क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑन इनफाइनाइट
जीपी। क्लियर। एक चीज और हम ध्यान रखेंगे, जीपी के सम की बात चल रही है तो कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। अगर कभी भी ऐसा बोल दिया जाए कि इफ सम ऑफ टू एन टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। टू एन और एन ध्यान से नोट करो, मतलब जैसे ऐसा बोलते हैं कि 10 5 6 12 है ना, तो जैसे 12 टर्म्स का सम 6 टर्म्स के सम का 5 गुना है, के टाइम्स है, के कैन बी एनी नंबर। देन हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट आर की पावर एन प्लस वन विल ऑलवेज बी के। डायरेक्ट रिजल्ट है जिससे आप आर निकाल सकते हैं। आर मतलब कॉमन रेशियो, आर की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू के। एन मतलब जो छोटा वाला नंबर ऑफ टर्म्स है, एक नंबर ऑफ टर्म्स का डबल दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए, तो जो छोटा वाला एन है वो आप आर की पावर में डाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई सम ऑफ लेट्स से एट टर्म्स, सम ऑफ एट टर्म्स इज 6 टाइम्स सम ऑफ 4 टर्म्स। ओके, आपको कॉमन रेशियो निकालना, जीपी की बात चल रही है, सम ऑफ 8 टर्म्स इज 6 टाइम्स द सम ऑफ 4 टर्म्स। तो अब ऐसे सवाल पढ़ते ही मेरे को क्या नोट करना चाहिए कि यहाँ कितने टर्म्स है, 8, और यहाँ कितने टर्म्स है, 4, 4 का डबल 8 है। बस तो मेरी प्रॉपर्टी चालू है, मैं सीधा बोलूंगा कि आर की पावर छोटा नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 4 प्लस 1 विल बी इक्वल टू कितना गुना, 6 गुना। 6 टाइम्स बोला है ना, तो 6 गुना। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास आ गया आर की पावर 4 बराबर 6 माइनस 1 5, यानी आर बराबर 5 की पावर 1/4, ये आपका आंसर है। आर की पावर 4 5 है तो आर कितना हुआ, 5 की पावर 1/4। कोई भी पावर हटाने के लिए दूसरी तरफ रेसिप्रोकल पावर ली जाती, कोई भी पावर हटाने के लिए दूसरी तरफ रेसिप्रोकल पावर लेते हैं। जैसे यहाँ पावर 2 है तो वहां हाफ, यहाँ पावर 3 है तो वहां 1/3, यहाँ पावर 4 है तो वहां 1/4। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो आप ध्यान रख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट इज, अगर हमें कभी ऐसा दे रखा हो कि थ्री नंबर्स इन जीपी, थ्री नंबर्स इन जीपी दे रखा है, जैसे आपको मैंने ये बोल दिया कि भाई ए बी सी तीन नंबर मेरे जीपी में है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट कंक्लूजन जो मैं निकालता हूँ वो क्या निकालता हूँ कि बी स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए सी, यानी बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट इंटू थर्ड आएगा। जैसे एपी में आपने देखा बीच वाले का डबल फर्स्ट प्लस थर्ड था, जीपी में बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट इंटू थर्ड होगा। उसका कारण वापस सिंपल है, इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वहां से आपके पास ये रिजल्ट आता है, बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। जैसे आपको ऐसा बोल दिया मैंने भाई इफ लेट से एक्स प्लस 5 2x माइनस 3 और 4x माइनस 2 आर इन जीपी, आपको एक्स निकालना। ऑफ कोर्स इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप ऑप्शन रख के देख लो भाई कौन सा एक्स रखने पे जीपी आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें पता है कि जैसे हमने पढ़ा है तीन जीपी में, तो हम बीच वाले का क्या करने वाले हैं, स्क्वायर। ठीक है, बराबर पहला मल्टीप्लाइड बाय तीसरा, यही करना है, बीच वाले का स्क्वायर बराबर पहला मल्टीप्लाइड बाय तीसरा। अब 2x-3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × 2 = 4 दिया 12 इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स इंटू 4x 4x2, एक्स इंटू -2 -2x, 5 × 4x 20x और 5 × -2 -10, कितना आ गया, 4x2 से 4x2 कैंसिल। अब अगर मैं सारे के सारे एक्स को एक तरफ ले आऊं और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले आऊं तो 9 + 10 = 19 तो आ गया यहाँ, इधर कितना आ गया, इधर आ गया 20 - 2 + 12। ठीक है, दैट मीन्स 19 इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास 30x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स दैट आई गेट, 19/30, दैट इज माय आंसर। सो एक्स का वैल्यू 19/30 है। इस तरीके से कोई भी तीन टर्म आपको दे सकता है जीपी में, तो आपको बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट इंटू थर्ड करके सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम ध्यान रखें कि कभी भी अगर ऐसा हो कि थ्री नंबर्स जीपी में है,
थ्री नंबर्स जीपी में है, मतलब ए बी सी जीपी में, जैसे मेरे को ये दे रखा है कि ए बी सी तो जीपी में, तो फिर मैं ये डायरेक्ट कंक्लूड कर सकता हूं कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में होंगे। ए बी सी जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में होंगे, एपी में होंगे। इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, ये जो बी स्क्वायर बराबर ए सी, आपने बोला तीन नंबर जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा, तो फिर आपको पता है कि अगर आप इसमें दोनों साइड लॉग ले लो, दोनों साइड क्या ले लो, लॉग, तो बताओ मंकी रूल से क्या होता है, टू बाहर आ जाता है लॉग के, तो आपके पास ऐसा आएगा टू लॉग बी इज इक्वल टू ए और सी के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किस में बदल जाता है, प्लस में, सो लॉग ए प्लस लॉग सी, ऐसा हो जाता है कि नहीं। सो टू लॉग बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग सी होता है, इसका मतलब लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में होते हैं, एपी में, क्योंकि बीच वाले का डबल किसके बराबर है, फर्स्ट प्लस थर्ड, बीच वाले का डबल फर्स्ट प्लस थर्ड है, मतलब लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में है, एपी में। जैसे आपको अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई लॉग ऑफ 6 की बेस 2 लॉग ऑफ 12 की बेस 2 और लॉग ऑफ 24 की बेस 2 आर इन, अब मैं ऐसा दे दूं और ऑप्शंस दूं तुम्हें, एपी में है, जीपी में है, ठीक है, एचपी में है, एचपी मतलब क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब ये होता है कि उसके टर्म्स को उल्टा कर दो तो एपी बन जाता है, जैसे आपको बताया ना 1 2 3 एपी में होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि 1/1 1/2 1/3 किस में होंगे, एचपी में, ठीक है, तो एचपी और एपी कोई खास फर्क नहीं है, एचपी का मतलब सिंपली क्या होता है कि एपी के टर्म्स को क्या कर देना है, उल्टा, तो आपको क्या मिल जाएगी, एपी मिल, एचपी मिल, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो लॉग 6 की बेस 2 लॉग 12 की बेस 2 लॉग 24 की बेस 2 किस में है, तो हमें ये देखना है कि भाई सबसे पहली बात इन सब लॉग की बेस तो सेम है, तो हमें खाली इन अंदर वाले नंबर्स पे फोकस करना है, 6 12 24, 6 12 24 जीपी में है कि नहीं, बिल्कुल है, देखो इसको 2 गुणा करते हो तो ये आता है, इसको 2 गुणा करते हो तो ये आता है, मतलब ये जीपी में है, तो अभी मैंने बताया कि अगर ये जीपी में है तो इनके लॉगरिदम्स किस में होंगे, एपी में होंगे, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एपी, लॉग अगर नंबर्स जीपी में है तो लॉग एपी में होते हैं, ठीक है, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग थ्री टर्म्स इन जीपी एंड सम इनफाइनाइट जीपी। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट व्हिच इज ज्योमेट्रिक मीन्स। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ज्योमेट्रिक मीन्स, तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या हो गया, जैसे अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब था भाई, कि आप दो नंबर्स के बीच में जो एवरेज, यानी बीच में नंबर डाल रहे हो, उससे वो सीरीज किस में आनी चाहिए, एपी में, तो अब आप अगर दो नंबर्स के बीच में एक नंबर डालते हो जी, तो फिर ये सीरीज किस में आनी चाहिए, जीपी में, तो फिर हम इस जी को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, ठीक है, और हमें पता है कि अगर तीन नंबर जीपी में है तो जी स्क्वायर बराबर ए बी होता है, तो फिर जी बराबर अंडर रूट ऑफ ए बी होता है, अगर हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर माने तो ये हमारे ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, जिसको हम मीन प्रोपोर्शनल भी बोलते थे पहले, रेशन प्रोपोर्शन में ध्यान हो तो मीन प्रोपोर्शनल भी बोलते थे, तो मीन प्रोपोर्शनल ही ज्योमेट्रिक मीन होता है बेसिकली। सो आप देखो अगर आपको दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो आपको उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेना है, तो आपको अगर मैं बोलूं कि भाई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी लेना है, मेरे को तीन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तीन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट, तीनों के क्यूब रूट का प्रोडक्ट लूंगा, ठीक है, या तीनों के प्रोडक्ट का क्यूब रूट लूंगा। ऐसे ही मैं आपसे बोल दूं कि भाई मेरे को ज्योमेट्रिक मीन ऑफ चार नंबर चाहिए ए बी सी डी, तो फिर मैं उनके प्रोडक्ट का फोर्थ रूट लूंगा, इसका मतलब जितने नंबर उनका प्रोडक्ट और उतना ही रूट, जितने नंबर उनका प्रोडक्ट और उनका उतना ही रूट। जैसे आपको ऐसा बोल दिया जाए कि भाई मेरे को चाहिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 6 18 एंड लेट अस से 54, मेरे को इनका ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, ठीक है, 6 18 एंड 54, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैं 6 18 और 54 का क्या लूंगा, प्रोडक्ट, और फिर उसका क्या लूंगा, क्यूब रूट, क्योंकि तीन नंबर, ये उसका ज्योमेट्रिक मीन है, 6 18 54 का प्रोडक्ट और उसका क्यूब रूट, ठीक है, तो 6 18 54 का प्रोडक्ट और क्यूब रूट लेके देख लो फिर क्या आता है, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 into 18 को 6 into 3 और 54 को 20 सॉरी 9 into 6 ये लिख सकता हूँ। अब अगर अपन देखें तो ये 6 6 और 6 एक एक ग्रुप बना लेंगे जिसमें से क्यूब रूट निकल जाएगा, और 9 into 3 27 एक और ग्रुप बना लेंगे जिसमें से क्यूब रूट निकल जाएगा, तो 6 6 6 का क्यूब रूट 6 होता है और 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 18। नाउ
अब ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बॉल प्रॉब्लम होती है। वो बॉल प्रॉब्लम का जो ट्रिक है वो अपने को आना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व कर पाए। बॉल प्रॉब्लम ये होती है भाई कि आपने जैसे मान लिया जाए कि किसी हाइट से एक बॉल को गिराया, ठीक है, तो जब ये जमीन पे गिरेगी तो गिरने के बाद में ये वापस रिबाउंड होगी, राइट। तो मान लो वो इतनी हाइट पे रिबाउंड होती, उसके बाद वो वापस उसी हाइट से गिरेगी, उसके बाद जब वो उस हाइट से गिरेगी तो वापस सम टाइम्स रिबाउंड होगी, फिर वापस गिरेगी, फिर वापस रिबाउंड होगी, एंड इट विल कीप ऑन डूइंग दैट टिल इट कम्स टू रेस्ट। जब तक कि वो रेस्ट पे नहीं आ जाती, मतलब रुक नहीं जाती, तब तक वो ऐसा करती रहेगी। और वो रेस्ट पे कब आएगी, तो उसके लिए उसको इनफाइनाइट कोलिजन्स करने पड़ेंगे। जब तक वो इनफाइनाइटली बार ग्राउंड से टकराती नहीं है, वो रेस्ट पे नहीं आएगी। तो हमेशा ध्यान रखो, ये जो सेटअप है वो एक इनफाइनाइट जीपी का सेटअप है। ये प्रॉब्लम हमेशा एक इनफाइनाइट जीपी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब वो इसमें बदलाव क्या क्या कर सकता है, वो आपसे बोल सकता है कि ये जो हाइट है जिससे हमने बॉल को गिराया वो एच है, और ये जो रिबाउंड हो रही है वो एच का के टाइम्स है। अब वो के क्या हो सकता है, 2/3, 1/5, 4/5, 4/7, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। कि भाई जितनी हाइट से गिर रही है उसकी 1/3 रिबाउंड कर रही है, जितनी हाइट से गिर रही है उसकी 3/4 रिबाउंड कर रही है। तो के का वैल्यू वो हो गया जो उसने जितना रिबाउंड किया, और एच वो हाइट हो गई जिससे हमने बॉल को गिराया, राइट। अब वो आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, ऑफ कोर्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, बॉल ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर की। तो देखो, अगर अपन ध्यान से कैलकुलेट करें क्या क्या डिस्टेंस है, सबसे पहले तो वो एच गिरी, सबसे पहला एच गिरी, उसके बाद वो उठी कितना, एच के उठी। अब जितना उठी उतना वापस गिरेगी भी तो सही, तो प्लस वापस एच के, ठीक है। फिर हर बार वो जितने से गिर रही है उसके के टाइम से उठ रही, हर बार जितने से गिर रही है उसकी के टाइम्स उठ रही, मतलब अगर यहाँ एच से गिरी तो एच के उठी, अब एच के से गिरी तो उठेगी कितनी, एच के का के टाइम्स यानी एच के स्क्वायर, फिर एच के स्क्वायर से गिरी तो उठेगी कितनी, एच के क्यूब, हर बार उसका के टाइम्स। तो सबसे पहले वो एच गिरी, एच उठी, एच गिरी, ठीक है, अब एच तो नहीं उठी, उठी कितनी, एच के, फिर एच के गिरी तो अब उठी कितनी, एच के स्क्वायर, फिर एच के स्क्वायर वापस गिरी, फिर एच के क्यूब उठी, एंड सो ऑन। दिस इज वॉट वी आर गेटिंग ऑन, ऐसा कुछ आ रहा है, और ये कहां तक चलता जाएगा भाई, इन्फिनिट। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए, ये एच तो मैं अलग कर देता हूँ, बाकी हर सीरीज आपको हर टर्म देखो दो बार आ रहा है कि नहीं, सिवाय एच के, तो उसमें से ट्वाइस कॉमन ले सकते हैं। तो उसके बाद बचता है एच के प्लस एच के स्क्वायर प्लस एच के क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ऐसा बच रहा है, ठीक है। तो ये जो एच है वो तो अलग कर दिया ट्वाइस ऑफ। अब यहाँ पे आपको दिखता है ये इनफाइनाइट जीपी बन गई कि नहीं बन गई, और इनफाइनाइट जीपी का सम याद है भाई, ए अपॉन 1 माइनस आर, आर यहाँ कितना है, ऐसा लिख सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले, देखो क्या आता है तुम्हारे पास, एच माइनस एच के प्लस 2 एच के डिवाइडेड बाय 1 माइनस के, और इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आ रहा है एच प्लस एच के डिवाइडेड बाय 1 माइनस के, यानी एच कॉमन बचा 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। और यही मेरी ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, कि भाई जब भी आप ऐसी बॉल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कितनी हाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, एच इंटू 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। जैसे वो बोलते हैं कि मेरी जो बॉल है वो हर बार 4/5 उठती है, जितने से गिरती है उसकी 4/5 उठती है, और इनिशियली मैंने उसको 50 मीटर से ड्रॉप किया था, तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो मैं डायरेक्टली क्या आंसर लिखूंगा, 50 × 1 + 4/5 डिवाइडेड बाय 1 - 4/5, आई विल डायरेक्टली राइट दिस आंसर। इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर आ रहा है 9/5, नीचे आ रहा है 1/5, 5 से 5 कैंसल्ड, आंसर है 50 × 9 विच इज 450। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, एक बार प्रॉब्लम समझ ली बस, ठीक है। ओके, सो दैट कंप्लीट्स ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एपी एंड जीपी। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, सम वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 85, 12th term equals thrice the fourth term. चलो भाई बनाओ इक्वेशन। पहला, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, फिफ्थ टर्म क्या होता है, a प्लस 4d, है ना, वो किसके बराबर है, 85,
और ट्वेल्थ टर्म कितना होता है, ए प्लस 11 डी इक्वल्स, जैसा बोल रहा है वैसे लिखते जाओ, इक्वल्स तो इक्वल का साइन, फोर्थ इक्वल्स थ्राइस द फोर्थ टर्म, थ्राइस मतलब 3 गुना किसका, फोर्थ टर्म का, फोर्थ टर्म क्या होता है, ए प्लस 3 डी, फोर्थ टर्म ए प्लस 3 डी होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ रहा है ए प्लस 11 डी इज इक्वल टू ब्रैकेट खोला 3a+9d, ठीक है। तो ए को इधर और 9d को इधर भेज देते हैं, तो ये 11d-9d 2d, 3a-a 2a, तो ये तो a बराबर d आ गया, a बराबर d आ गया, 2a=2d, सो a=d। अब ये जो a=d आया इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो अपने को फर्स्ट इक्वेशन क्या देती है, a को d रखा तो d प्लस 4d इक्वल टू कितना 85, सो दैट मींस 5d इक्वल टू कितना 85, विच मींस d इक्वल टू कितना 17, और जितना d है उतना ही तो a भी है क्योंकि a और d बराबर है। उसने मेरे से पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, सो द आंसर इज 17, ऑप्शन बी। सिंपल इक्वेशन बनाया, सॉल्व किया, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2, द सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। अब देखो ये SN दे रखा है AP का, तो मैंने आपको एक ट्रिक SN पे बताई थी, वही ट्रिक पे बेस्ड ये सवाल है, ये आपको दे रखा है। अब आप मेरे को ये बताओ इससे अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, इससे अपन A निकाल सकते हैं, इससे अपन D निकाल सकते हैं, राइट। A निकालने के लिए हम N को क्या रखते थे, 1, देखो यहाँ पे एन को 1 रखो, क्या आता है 7+4 यानी 11, तो फर्स्ट टर्म तो 11 हो गया। और डी निकालने के लिए आपको ध्यान है एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो था उसका डबल करना है, तो 7 गुणा 2 कितना हो गया डी, 14। तो मेरे पास ए और डी आ चुका है, उसने मेरे से पूछा है थर्ड टर्म, अभी बताओ भाई थर्ड टर्म क्या होता है एपी का, ए प्लस 2 डी, ए का वैल्यू 11, डी का वैल्यू 14, 11+28 कितना होता है 39, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 39, क्लियर। नेक्स्ट, द सम ऑफ द सीरीज -11 -6 -1 अप टू एन टर्म्स इज 360, आपको nth टर्म बताना है, ठीक है। तो इस बार आपको सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, तो भाई पहली बात तो ये जो सीरीज है वो एपी दिख रही है कि नहीं दिख रही, सबसे पहली बात तो सीरीज कौन सी है, एपी है, क्योंकि अगर आप इसमें से इसको घटाते हो तो कॉमन डिफरेंस 5 आता है, इसमें से इसको भी घटाते हो तो भी कॉमन डिफरेंस 5 ही आता है, दैट मींस देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, दैट मींस इट इज एन एपी। तो अपन ने बोला ए कितना है -11, डी कितना है 5, और SN कितना है 360, और आपको क्या बताना है एन, इनफैक्ट एन नहीं आपको nth टर्म बताना है, पर उसके लिए पहले एन निकालना पड़ेगा। सो लेट्स राइट द फॉर्मूला फॉर SN, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ SN, n/2 2a+n-1 t, ये मेरा फॉर्मूला होता था SN का, AP का। SN कितना दिया हुआ है 360, n मुझे नहीं पता, ठीक है, और a कितना दिया हुआ है 11, तो -11, -11 × 2 -22, प्लस n-1 × d, d कितना है मेरा 5, ये ठीक है। तो इससे मेरे पास आया 360 इज इक्वल टू एन अपॉन टू, इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट -22 + 5n - 5, ठीक है, तो ये हो गया 360, ये 2 को तो इधर ले जाता हूँ, 360 × 2 कितना हो गया 720, n मल्टीप्लाइड बाय, अभी ये आ गया तुम्हारा 5n-27। अब देखो इस इक्वेशन तक आप पहुंच गए, 720 बराबर n × 5n-27, अब इस इक्वेशन को आगे और सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं बिकॉज ऑप्शन दे रखे, लेकिन एक बात ध्यान रखो वो ऑप्शंस किसके हैं, nth टर्म के हैं, n के नहीं। तो अब आपको दो काम करने पड़ेंगे, आपके पास n नहीं है, तो अगर आप एक तो ये कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई करके n क्वाड्रेटिक बना के n निकाल लो, पर वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। उससे बढ़िया क्या हुआ, मैं ऑप्शन चेक करना चालू करता हूँ, लेट मी चेक ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बोलता है nth टर्म कितना है 64, राइट। नाउ इफ माई nth टर्म इज 64, थिंक अबाउट इट, वॉट इज द nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a+n-1d, ये होता है ना nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। तो a मेरा कितना है -11, n मुझे नहीं पता, d मेरा कितना है 5, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ ये आ रहा है -11 + 5n - 5, यानी ये आ रहा है 5n-16, ये मेरा nth टर्म का फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ, 5n-16, यानी जो भी टर्म मैं ऑप्शंस में चेक करना चालू करूंगा, जैसे पहला ऑप्शन चेक किया तो 5n-16 जो nth टर्म है वो किसके बराबर हुआ भाई 64, ठीक है। यहाँ से 5n बराबर कितना आता है 80, यानी n बराबर कितना आता है 16 आता है। अब ये 16 अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो फिर तो यही आंसर, नहीं करा तो अगला ऑप्शन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इस 16 को इस ऑप्शन में डाल, इस इक्वेशन में डाल के देख लेते हैं, वो ज्यादा आसान है, फास्ट है, ठीक है। तो मैंने किया 5 × 16
ठीक है, दैट्स 80, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व कर रहे हैं, -27, ये कर लिया भाई, 53 आया, इसको गुणा करना है एन से, एन कितना है 16, 16 से गुणा कर दो, देखो ये 848 आ रहा है, तो ये तो मैच नहीं करा, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। इफ यू गो टू ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में 5n-16 बराबर कितना, 86, ठीक है, तो यहाँ से 5n बराबर कितना, 86 + 16, दैट्स 102, वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये 5 से डिविजिबल ही नहीं, तो बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये 5 का मल्टीपल ही नहीं आया। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में 5n-16, 5n-16 बराबर कितना, 81, तो इसके साथ भी वही दिक्कत है भाई, 5n बराबर 97 आ गया, अगेन नॉट डिविजिबल बाय 5, सो करेक्ट आंसर मस्ट बी ऑप्शन डी। ठीक है, फिर भी आप डी को वेरीफाई कर लो, 5n-16 बराबर कितना होना चाहिए, 59, यानी 5n बराबर कितना होना चाहिए भाई, 59 + 16 75, यानी n कितना होना चाहिए, 15। अब n का वैल्यू 15 इसमें डाल के देख लेते हैं, ठीक है, तो n का वैल्यू आप 15 डाल के देखो क्या आता है, तो 5 × 15 - 27, यह आया तुम्हारा 48 × 15, देखो 720 मैच हो गया, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो समटाइम्स एनेक टर्म पूछा होता है और एन भी गायब होता है, तो फिर एन भी सॉल्व करें, एनेक टर्म भी निकालें, उससे बेटर क्या हुआ, एनेक टर्म का एक फॉर्मूला लिखा और फिर ऑप्शन चेक कर, वो ऑप्शन से जो एन आया वो इक्वेशन में सेटिस्फाई करा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ दिस इज अगेन अ ट्रिक, रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, ध्यान से पढ़ो लैंग्वेज, रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज जब भी दिया हो, मतलब S1 / S2, दो एपीज के एन टर्म्स का सम दे रखा है, का रेशियो दे रखा है, सॉरी कितना दे रखा है, 2n + 3 / 2n - 3, ये गिवन है, और आपको किसका रेशियो निकालना है भाई, देयर nth टर्म्स, आपको उनके nth टर्म्स का रेशियो निकालना है, तो ध्यान से समझना, अगर कभी भी दो एपीज के एन टर्म्स के सम का रेशियो दिया हो और उनके nth टर्म्स का रेशियो निकालना है, तो एक सिंपल सी ट्रिक है, यू हैव टू रिप्लेस एन बाय (n/2n-1). क्या करना है, सिर्फ n की जगह 2n-1 रखना है, बस आप ऐसा कर दो, आपके पास nth टर्म्स का रेशियो आ जाए, ठीक है। उसका कारण भी सिंपल सा है, S1 / S2 जो मैं लिख रहा था, S1 का मतलब हो गया n/2 (2a + n-1d), ठीक है, और d1 बोल दो इसको, और यहाँ पे भी a1 बोल दो, और यहाँ पे n/2 (2a2 + n-1d2), ये d2 हो गया, ठीक है। अभी n/2 से n/2 तो कट गया, अब आपको ये रेशियो ऑलरेडी दे रखा है सवाल में, कितना दे रखा है भाई, 2n + 3 / 2n-3, यही तो दे रखा है, ठीक है, और हमसे जो पूछा है वो nth टर्म्स का रेशियो पूछा है, nth टर्म क्या होता है, पहली एपी का a1 + n-1d1, और दूसरी एपी का कितना होता है, a2 + n-1d2, यही होता है, ये लाना है, ये लाना है और ये दिया हुआ है, तो कुछ भी करके इसी की हेल्प से ये लाना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों में क्या बना दूं, सेम बना दूं, सेम बना दूं। अब सेम बनाने के लिए यहाँ A1 का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ 1 है, तो मैंने इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा किया, 2 से गुणा किया तो यहाँ आया 2A1 + 2n - 2d1, नीचे आया 2A2 + 2n - 2d2, क्या है। अब आप ध्यान से अगर देखो तो इसको और इसको अगर मैं सेम बनाना चाहता हूं, तो भाई ये तो सेम बन गया है ना, ये तो सेम बन गया, लेकिन ये सेम नहीं बना, तो अब इस वाले पार्ट को सेम बनाने के लिए एन की जगह, यहाँ पे एन की जगह ऊपर वाली इक्वेशन में क्या डालू कि 2n-2 आ जाए, तो उसका जवाब यही आएगा कि 2n-1 डालो, आप एन की जगह क्या डालो, 2n-1 डालो, तो जैसे ही आपने ऊपर एन की जगह 2n-1 डाला, तो 2n-1 - 1 क्या हो जाएगा, 2n-2, और ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसीलिए आपको आंसर में भी इसकी जगह एन की जगह 2n-1 डालना है, सो दैट इज दी एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट, अदरवाइज सिंपली ध्यान रखो, क्योंकि अदरवाइज तो इसको 1 मिनट में करना मुश्किल है, तो आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप सीधा एन की जगह 2n-1 डाल दो क्वेश्चन, तो आपका आंसर आएगा (2n-1 + 3)/ (2n-1 - 3), तो ऊपर देखो खोलेंगे तो 4n-2 + 3 और नीचे 4n-2 - 3, तो ऊपर तो आ रहा है 4n + 1, नीचे आ रहा है 4n-5, एंड दैट्स योर आंसर व्हिच इज ऑप्शन सी, 4n + 1 = 4n-5, क्लियर। जब सम ऑफ एपीज का रेशियो दिया और एनेट टर्म्स का रेशियो मांगा और एन की जगह 2n-1, याद रखिए, स्ट्रेट वे याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट,
अब बोलता है कि लॉग टू, लॉग ए, लॉग के और लॉग 18 किस में है? एपी में, आपको के निकालना है। अब मैंने बताया था 3 नंबर जब एपी में, तो बीच वाले का डबल कौन है? बीच वाला लॉग के, उसका डबल बराबर पहला यानी लॉग टू प्लस दूसरा यानी लॉग 18, ये बोल सकता हूँ। ठीक है, बस। तो अब मेरे को लॉग की प्रॉपर्टी आती है भाई कि 2 log 2 मतलब इस बंदर को पेड़ पे ले जा सकते हैं, सो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? के स्क्वायर। और इधर प्लस को किस में बदल सकते हैं? मल्टीप्लाई में, तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? 2 into 80। अब दोनों तरफ लॉग है, दोनों की बेस सेम है, तो लॉग और लॉग कैंसिल, सो के स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 36। तो के का वैल्यू कितना हो गया? 6। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। अच्छा, इसको हम उस प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे कि अगर 3 log AP में है तो अंदर वाले नंबर GP में होते हैं, तो हम ये भी डायरेक्ट बोल सकते थे कि 2K और 18 किस में होने चाहिए? GP में, क्योंकि उनके लॉगरिदम्स AP में। तो कौन सा ऑप्शन है जिसको यहाँ डालने से, K की जगह डालने से GP आ जाएगी? तो वो ऑप्शन ए ही है, क्योंकि 2, 6, 18 GP बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। डिवाइड 123 into 3 parts। अभी 123 को 3 parts में बांटना है AP में, सच दैट रेशियो ऑफ थर्ड पार्ट टू फर्स्ट पार्ट इज 31:10। तो देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ऐसे सवाल को अभी सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन से करें, क्योंकि ऑप्शन में तीनों पार्ट दे रखे, कंप्लीट ऑप्शन है। ठीक है, अगर वो पूछता लार्जेस्ट पार्ट निकालो तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उसने तीनों पार्ट पूछे हैं तो ऑप्शन से करेंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चेक करनी? पहली बात तो फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट का सम कितना होना चाहिए? 123। दूसरी बात, ये सब किस में होने चाहिए? एपी में। तीसरी बात, थर्ड पार्ट का फर्स्ट पार्ट से जो रेशियो है वो 31:10 होना चाहिए। तीनों बातें जो सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन देना आंसर। ठीक है, तो पहली बात तो हम ये देख लें कि तीनों का सम 123 और तीनों एपी में कौन से में है। तो पहला वाला तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, बिकॉज वो एपी नहीं है, क्योंकि 10 से 82 बढ़ा और 82 से 31 घट गया, तो ये तो एपी है ही। दूसरा वाला एपी तो है, क्योंकि इसमें गैप कितना आ रहा है देखो, 18, और इधर भी गैप कितना आ रहा है? 18, तो एपी तो ये है। क्या इन सब का सम 123? लेट्स चेक दैट। तो 59 + 41 = 100, 123, ये भी सही है। तो भाई दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। क्या अब तीसरे और पहले का रेशियो 31:10 है? तीसरा क्या है देखें जरा, बी ऑप्शन में तीसरा है 59 और पहला है 23। 59 और 23 तो कटते ही नहीं है, इसलिए 31/10 नहीं आएगा, सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी पे जाए, ऑप्शन सी जो है वो एपी है। हाँ एपी तो है भाई, ये कॉमन डिफरेंस 21, ये भी 21। क्या तीनों का सम 123 है? 62, 41, 103 और 20, यस। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या थर्ड और फर्स्ट का रेशियो आ रहा है? 62/20, 2 से कटेगा 31, 2 से कटेगा 10, बिल्कुल आ रहा है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? तो ऑप्शन चेकिंग गेम है और वही सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस। अब देखो ऐसी भी कोई सीक्वेंस दे सकता है जो ना तो एपी है ना जीपी है, हर कोई सी सीक्वेंस है उसका nth टर्म पूछा है, तो ये भी ऑप्शन चेकिंग है। आप ऑप्शन में से देखो ये कौन से ऑप्शन से सवाल आ जाता है वापस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज जो ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि पहला टर्म तो पॉजिटिव, ठीक है, अगला टर्म नेगेटिव है, फिर अगला टर्म पॉजिटिव है, फिर अगला टर्म फिर नेगेटिव है, यानी ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। और ऑल्टरनेट प्लस माइनस अगर कभी भी आएगा तो डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ -1 की पावर एन समथिंग, ऐसा कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, वरना नेगेटिव पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। तो उस समझ गए बात क्यों? क्योंकि -1 की पावर ऑड क्या देता है आपको? -1 की पावर ऑड क्या देता है? -1। और -1 की पावर इवन क्या देता है? +1। तभी तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो सारे प्लस आएंगे, इसमें -1 आ ही नहीं रहा है कहीं। ऑप्शन सी हो ही नहीं सकता, इसमें सारे प्लस आएंगे, इसमें -1 आएगा ही नहीं कभी। तो बचा मेरे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। मैं ये नहीं कह रहा -1 की पावर में एन ही आएगा, मैंने कहा -1 की पावर समथिंग आएगा। ठीक है, तो अब बी और डी ऑप्शन में से एक सही एक गलत है। लेट्स चेक, बी चेक कर लेते हैं। अब चेक करने का तरीका क्या है भी? जैसे बी ऑप्शन चेक करना है तो आप एन को 1 रखो, एन को 1 रखने पे कौन सा टर्म आना चाहिए? फर्स्ट टर्म, है कि नहीं? अगर ये nth टर्म है तो एन को 1 रखने पे फर्स्ट टर्म आना चाहिए। सो लेट्स चेक, एन को 1 रखने पे क्या देता है मेरे को ये ऑप्शन? मेरे को देता है -1 की पावर 0, जहां जहां एन है वहां 1 रख दो, 1 into 1 + 1 का whole square, ये देता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज -1 की पावर 0? इट इज 1 into 1 into 2 square। सो इज दिस माय फर्स्ट टर्म? क्या 1 into 1 into 2 square मेरा फर्स्ट टर्म है? नहीं, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। आगे चेक करने की जरूरत ही,
तीन ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, डी ऑप्शन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन। फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज दिस, सिक्स टर्म इज दिस, कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज। चलो भाई ये भी सिंपल सा लॉजिक है, अगर कॉन्सेप्ट ध्यान है जीपी का। जीपी में हर अगले टर्म पे जाने के लिए आर मल्टीप्लाई होता है और पीछे आने के लिए आर डिवाइड होता है। आपके पास कौन सा टर्म है? एक तो फोर्थ टर्म है, कितना है? 5/9। और एक आपके पास कौन सा टर्म है? सिक्स टर्म, कितना है? 1/5। फोर्थ से सिक्स पे जाओगे कितना आगे जाओगे? दो टर्म। दो टर्म आगे जाओगे तो आर कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? दो बार। यानी इससे इस पे आने के लिए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? दो बार आर मल्टीप्लाई होगा, मतलब आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 5/9 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर इज 1/5? यस। इससे आगे जाना है दो बार तो आर स्क्वायर गुना होने पे 1/5 आना चाहिए। तो यहां से आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आती है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, यहाँ इसको यहाँ, 9/25 आती। तो फिर आर की क्या वैल्यू आती? इसका स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 3/5। वैसे प्लस माइनस दोनों आ सकता है, लेकिन उसने सिर्फ ऑप्शन में 3/5 दिया है, तो हम 3/5 लगाएंगे। सिंपल। नेक्स्ट, इन अ जीपी इफ फिफ्थ टर्म इज 10, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज। अब भाई ये भी मैंने पीछे ट्रिक में बता रखा है कि अगर आपको 9 टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए तो आप मेरे को ये बताओ 9 टर्म्स में मिडल टर्म कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 में मिडल टर्म पांचवा होगा कि नहीं? दिस इज द मिडल टर्म और नॉट? और देखो उसने आपको सवाल में मिडल टर्म दिया है, फिफ्थ टर्म कितना दिया? 10। तो हमने सीधा इसका आंसर बोला था, जो भी मिडल टर्म है उसकी पावर नंबर ऑफ टर्म्स। वो मैंने प्रूफ कर रखा है पीछे, आप देख सकते हो, वीडियो रिवाइंड करके देख लो। सो 10 की पावर 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ वाई इज इक्वल टू दिस देन एक्स इज इक्वल टू। अब ध्यान से पढ़ो कि वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया और पूछा एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, तो वो तो खैर अभी देखेंगे क्या करना है। उससे पहले, सबसे पहले ये जो वाई दिया है उसने, उसमें एंड सो ऑन कहाँ तक? एंड सो ऑन कहाँ तक? कुछ नहीं, मतलब इनफाइनाइट सीरीज है, और इनफाइनाइट है तो पक्की बात है इनफाइनाइट जीपी होगी। ठीक है, अब जीपी होगी तो मेरे को फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो चाहिए। तो अब मैं सबसे पहले वाई की बात करूं, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज? 1। एंड व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस सीरीज? उसके लिए आपको इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आपके पास -x/2 आता है? और फिर इसको जब इससे डिवाइड करते हो तो भी -x/2 ही आता है। इसका मतलब कॉमन रेशियो -x/2 है, और ये जीपी कैसी जीपी है? इनफाइनाइट जीपी है। क्या फॉर्मूला होता था? a/(1 - r) लगा दें। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला लगाया तो y का जो वैल्यू है वो आएगा 1/(1 - r)। r मेरा -x/2 है। सो कैन वी से इट इज 1/(1 + x/2)? ठीक है, अब मैंने एलसीएम लिया। सो व्हाट इज दी एलसीएम? नीचे एलसीएम कितना आएगा भाई? 2। इधर कितना आएगा? 2 + x। 2 किधर जाएगा? ऊपर। तो आपके पास आ रहा है 2/(2 + x) इज इक्वल टू कितना? y। लेकिन सवाल ने आपसे y नहीं पूछा है, सवाल ने आपसे x पूछा है। तो अब एक नॉर्मल इक्वेशन की तरह अगर मेरे को ये दे रखा होता और मुझे x निकालना होता तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को एक तरफ लाके और बाकियों को इधर लाके सॉल्व करता। वही काम मैं अभी भी करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है? 2y + xy = 2। मुझे किसका वैल्यू लाना है? एक्स का। तो इसको तो मैं यहाँ रखूंगा, 2y को वहां ले जाऊंगा। तो मेरे पास xy = 2 - 2y आता है। ठीक है, और अब मुझे एक्स लाना है तो वाई को यहाँ डिवाइड करूंगा, तो x = 2 - 2y/y आता है कि नहीं आता है? वी आर गेटिंग x = 2 - 2y/y, विच इज ऑप्शन सी। दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, थ्री नंबर्स इन जीपी। अब आपको तीन नंबर जीपी में चाहिए। ठीक है, हुज सम इज 28, उनका सम कितना होना चाहिए? 28। प्रोडक्ट इज -1728, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1728। और तीन नंबर होने चाहिए किसमें? जीपी। ये सब इंफॉर्मेशन है, सॉल्व नहीं करना, अगेन ऑप्शन चेकिंग गेम है, बिकॉज तीनों नंबर सवाल में दे रखे। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन में आपका सबसे पहली बात तो तीनों नंबर जीपी में होने चाहिए। ठीक है, और तीनों का सम कितना होना चाहिए? 28। देखो जरा सबका, तीनों का सम 28 है क्या? 36 + 4 = 40, 40 - 12 = 28। ठीक है भाई, सम तो है। ठीक है, अच्छा तीनों का प्रोडक्ट -1728 है क्या? ये भी देख लें, प्रोडक्ट -1728 है क्या? तो अगर अपन देखें 36 * 12 * 4, हाँ तो प्रोडक्ट भी -1728 है। तो अब तो खाली ये देखना रह गया कि ये जीपी में है कि, ठीक है,
अब जीपी में होने के लिए जो इसका और इसका रेशियो है, मतलब -12/36 है, वही इसका और इसका रेशियो होना चाहिए, यानी 4/-12 होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो बात खत्म। तो -12/36 -1/3 होता है, और 4/-12 भी -1/3 होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आगे देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तीनों कंडीशन थी, तीनों चेक कर ली, बस ये इंपॉर्टेंट है जो कंडीशन हो सारी चेक होनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस दिस एंड दिस इज। अब याद करो भाई, ज्योमेट्रिक मीन मतलब तीन नंबर है तो तीन के प्रोडक्ट का क्यूब रूट, चार है तो चार के प्रोडक्ट की पावर मतलब फोर्थ रूट। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है, 15x² y गुणा 75xyz² गुणा 3yz, तीनों का मैंने क्या ले लिया प्रोडक्ट, और अब उसका क्या लूंगा मैं, क्यूब रूट, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब क्यूब रूट में याद करो तीन तीन के ग्रुप्स बनते हैं, तो पहली बात तो 15, 75 और 3 इनको तो अलग कर देते हैं। इसके अलावा x², यहाँ पे x दो बार है, यहाँ पे एक बार है, तो x का पावर कितना हो गया 3। यहाँ पे y एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, और यहाँ पे भी एक बार है, तो y का भी पावर क्या हो गया 3। यहाँ पे z दो बार है, एक बार है, तो z का पावर भी क्या हो गया 3। अब तीन तीन के ग्रुप्स बनाने, सो व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 15 × 75 × 3। पहली बात तो इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट कितना आता है भी? तो इसमें 15, 15, 3 और 5 है ना। हाँ, तो 15, 15, 15, तो 15 का ही क्यूब हो गया ये, तो सीधा सीधा ये किसका क्यूब हो गया, सीधा 15 का। ऑलराइट, सो एक तो ये आपके पास कितना आ गया 15, राइट, इन तीनों का क्यूब रूट हो गया 15, 15, 15, 15 बच गया। और x³, y³ और z³ का क्यूब रूट क्या हो गया, xyz। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 15xyz, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ अ जीपी इक्वल 730 टाइम्स द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स। ये भी वो ट्रिक आ गई, भी पीछे ट्रिक बताई याद है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, क्यों ट्रिक कैसे याद आई, ये 12 टर्म है और ये कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स, इसका डबल वो है ना 12। तो मैंने क्या ट्रिक बोली थी कि जब भी यहाँ जो टर्म्स है वो उसके डबल है, तो जो छोटा नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज 6, आर की पावर 6 + 1 बराबर कितना होगा, के टाइम्स, कितना टाइम्स है यहाँ पे, 730 गुणा, तो ये 730 हो गया। यानी आर की पावर 6 डायरेक्टली कितना हो गया, इसको यहाँ भेजो, 729। अब किस नंबर की पावर 720, किस नंबर की पावर 6 लेने पे 729 आता है, 3, सो आर शुड बी इक्वल टू 3, बिकॉज 3 to the power 6 इज 729। मतलब इसके बाद तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हो ना, कौन से ऑप्शन को 6 पावर पे ले जाने पे 729 आएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। नाउ दिस इज अ स्पेशल सीरीज। अब ऐसी सीरीज हमने अभी तक नहीं पढ़ी, क्योंकि ये ना तो एपी ना जीपी है, 3 + 3.3 + 3.33 + एंड सो ऑन। इसको हम बोलते हैं रिपीटेड डिजिट सीरीज, रिपीटेड डिजिट सीरीज, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट 3 जो है वो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी सीरीज को सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं ट्रिक बताया, तो इस सवाल को सॉल्व कैसे, इस सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि मेरे पास, मेरे को एन टर्म्स तक पूछा है ना उसने सब, कोई भी सीरीज जिसमें वो एन टर्म्स तक सम पूछ रहा है, भले वो सीरीज आपने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी, आपको उसकी ट्रिक क्या लगानी है, आप उसमें सीधा n=1 डाल दो। ठीक है, और फिर ऑप्शन चेक कर लो, जो ऑप्शन क्वेश्चन से मैच कर जाएगा वो आंसर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है दो ऑप्शन मैच कर जाए, तो दोनों आंसर तो हो नहीं सकते, तो फिर उन दोनों ऑप्शन में n को 2 डाल के फिर चेक कर लो। अब n=1 डाल के ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लो मैंने n=1 डाला, तो मेरी जो सीरीज है, सीरीज जो है मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं n=1 डालूँ तो मेरे को खाली पहला ही टर्म उठाना है, तो पहला टर्म तो 3, तो इसका मतलब मेरा सम 3 आना चाहिए। अब अगर मैं ऑप्शंस में भी n=1 डालूँ और चेक करना चालू करूँ, तो मैंने पहला ऑप्शन चेक किया, सो फर्स्ट ऑप्शन में n को मैंने 1 डाला, क्या आएगा देखना जरा, 90 - 10 + 10 की पावर 1 - 1 / 27, ये आएगा, दिस इज माई फर्स्ट ऑप्शन। नाउ लेट सिंप्लीफाई, 90 - 10 = 80, 80 + 10 की पावर 0 = 1/27, कितना आ रहा है ये, 81/27 विच इज 3। मेरा सम कितना आया था भाई 3, ये भी कितना आया 3, तो अब ये नहीं फट से इसको टिक कर दे, चेक बी एंड सी ऑल्सो। ठीक है, तो अब आपने बी और सी भी चेक किया, तो बी पे चेक किया। अच्छा, अब इस सवाल में मैं चेक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। सी, न्यूमरेटर ऑफ ऑल दी ऑप्शन इज सेम, यानी न्यूमरेटर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर तो 81 ही आएगा, बी में भी 81 आएगा, सी में भी 81 आएगा,
लेकिन बी में अपॉन में 9 लगा दिया तो 9 आंसर आएगा, और सी में अपॉन में 3 लगा दिया तो 27 आंसर आएगा, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब कुछ को लगेगा कि सर नन ऑफ दीज भी तो ऑप्शन है, तो भाई नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, लेकिन मेरा एबीसी में से ए मैच हो चुका है, तो पहली बात तो प्रोबेबिलिटी वाइज दिस शुड बी द आंसर, अदरवाइज ऑल्सो आपको अगर चेक करना है तो आप एन इक्वल टू 2 पे और चेक कर लो, तो 2 पे भी ये सही आंसर। तो जैसे एन इक्वल टू 2 पे मैं चेक कर दूं, तो एन इक्वल टू 2 के लिए मेरे को क्या करना है, दो टर्म उठाने मेरी सीरीज के, तो सीरीज जो है भाई दो टर्म उठाती है, तो दो टर्म उठाने के लिए मैंने 3 + 3.3 लिखा, तो कितना आया 6.3। अब मैं ऑप्शन ए में वापस 6.3 रख, सॉरी एन को 2 रखा, क्या आएगा देखना जरा, 90 × 2 − 10 + 10^(1 − 2)/27, ये आया। अब इसको आप देखो, 180 − 10 + 10 की पावर कितनी आ रही है, −1/27, 180 − 10 = 170, व्हाट इज 10 की पावर −1, इट इज 1/10, 1/10 यानी 0.1, 1/10 यानी 0.1, तो ये आ रहा है 170.1/27। जरा इसको कैलकुलेट करो, 170.1/27 6.3 आना चाहिए, 170.1/27 6.3 आया कि नहीं आया, आ गया भाई, मैच हो गया, मैच हो गया मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, देयर इज नो हार्म इन चेकिंग टू थिंग्स, बट तीन ऑप्शन में से जब दो रिजेक्ट हो गए तो वी कैन वेरी सेफली मार्क ए, क्लियर। सो इसके लिए मेरे को एक्चुअल तरीका आना जरूरी नहीं है, राइट। सो दिस इज द रिपीटेड डिजिट सीरीज जिसमें एक ही डिजिट बार बार रिपीट होती है, ऑलराइट। तो उसमें आप क्या करो भाई, इनफैक्ट ऐसी कोई भी सीरीज हो उसमें आप क्या करो, एन को 1 डालो, ऑप्शन में चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाता है, 2 कर जाते हैं तो एन को 2 डाल दो, दो उन दो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अगेन अ डिफरेंट सीरीज, सम ऑफ द सीरीज दिस इज। अब ये सीरीज आप ध्यान से देखो, पहला 1 है, दूसरा 3/8 है, तीसरा 5/8² है, चौथा 7/8³ है, एंड सो ऑन, और एंड सो ऑन के बाद कुछ नहीं लिखा, मतलब इनफाइनाइट सीरीज है। अब इनफाइनाइट सीरीज हमने तो एक ही पढ़ी, विच इज इनफाइनाइट जीपी, लेकिन यहाँ पे अगर इसको इससे डिवाइड करें तो कॉमन रेशियो 3/8 आता है, लेकिन इसको इससे करें तो कॉमन रेशियो 3/8 नहीं आता, इसका मतलब ये तो इनफाइनाइट जीपी नहीं है। इनफैक्ट ये एक स्पेशल सीरीज है जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी है, एजीपी, एपी और जीपी का मिक्सचर है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो ऊपर वाले 1, 3, 5, 7 तो एपी में चल रहा है, और नीचे वाले 8, 8² 8³ ये जीपी में चल रहा है, तो ऐसी सीरीज को हम एजीपी बोलते हैं। ठीक है, तो एजीपी के लिए ऑफकोर्स सॉल्व करने का एक मेथड है, बट अगेन वील ड्रू इट, वील बी डूइंग इट विद अ ट्रिक सो दैट वी कैन डू इट विद इन 1 मिनट। ठीक है, तो फिर उस केस में हम क्या करें भाई, हम अपना कैलकुलेटर लेके बैठे, कैलकुलेटर हमें अलाउड एग्जाम में, सो वील टेक द कैलकुलेटर, और जो टर्म हमें सामने दिख रहे हैं, जो हमें सीरीज में दिख रहे हैं, वैसे तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, पर हमें जो 4 टर्म दिख रहे हैं हम तो उनको सीधा सीधा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे पहले हमें एक चीज तो साफ दिख रही है कि मेरा आंसर जो भी है वो 1 + समथिंग है, यानी जो 1 से छोटा ऑप्शन है वो तो रिजेक्ट ही हो जाएगा, तो भाई डी ऑप्शन तो सीधा ही गया बिकॉज वो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बाकी तीनों ऑप्शन 1 से बड़े हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हमें जो 4 टर्म स्क्रीन पे दिख रहे हैं क्वेश्चन में उनको हम कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं। सो जस्ट कैलकुलेट दिस ऑन योर कैलकुलेटर, सो आई विल स्टार्ट विथ 7/8³, 7/512, ठीक है ये जो भी आया, +5/64 +3/8 +1, देखो आप 1.4667 कुछ आ रहा है आपकी स्क्रीन, आपके कैलकुलेटर पे 1.4667 ऐसा कुछ आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ये इसका आंसर है, मेरे को पता है इसका आंसर जो होगा इतना तक तो ये होगा, उसके बाद भी तो प्लस समथिंग आएगा, प्लस कुछ 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 तो आएगा, पर वो जो कुछ कुछ आ रहा है वो तो बहुत छोटा है ना, क्योंकि देखो ये 7/8³ भी बहुत छोटा है, तो अब अगर मैं आगे और जाऊंगा तो और छोटा आने लग जाएगा, इसका मतलब इसमें हल्का सा कुछ और जुड़ेगा, तो आंसर स्लाइटली ग्रेटर देन 1.4667 आना चाहिए, स्लाइटली थोड़ा सा इससे बढ़ाना चाहिए, राइट। अब जरा देखें ऑप्शंस को, एक एक ऑप्शन को डाल के देख लेते हैं, तीन ऑप्शन बचे हैं इनको हम कैलकुलेटर पे डाल के देख लेते हैं। तो अगर मैं ए ऑप्शन डालता हूं तो 62/49, व्हाट इज दैट, 1.265, आपका ए ऑप्शन आ रहा है 1.265, क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, मेरा आंसर अभी तक ही 1.4667 आ चुका है, और अगर ए नहीं हो सकता तो सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो उससे भी छोटा है, तो मेरा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी, और तुम ऑप्शन बी को अगर डाल के देखोगे तो वेरी नियरली यही आंसर आएगा।
This is the way you can solve such questions without using the actual method. ठीक है? Next, question number 16. The value of this is, अब आपको यहां क्या दिख रहा है? 81 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई 81, 81. सबका बेस क्या है भाई? सेम. जब बेस सेम होता है तो इंडाइसेस में आपने क्या पढ़ा है कि पावर ऐड हो जाती है. तो ऐड कर देते हैं पावर 1 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 25 प्लस एंड सो ऑन. अब एंड सो ऑन के बाद फिर कुछ नहीं लिखा, मतलब इनफाइनाइट. तो 81 तो ऊपर हो ही गया. अब जरा ये ऊपर वाली सीरीज पे गौर करो. ये ऊपर वाली सीरीज क्या है? क्या ये इनफाइनाइट जीपी है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो आप देखोगे, इसको इससे डिवाइड करो 1/5, इसको इससे डिवाइड करो 1/5. दैट मीन्स व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 1. व्हाट इज द कॉमन रेशियो? 1/5. एंड नाउ वी नो व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. इट इज ए अपॉन 1 माइनस आर. ठीक है, तो अगर मैं इसको निकालूं तो ए कितना है? 1. आर कितना है? 1/5. तो मेरे पास ऊपर तो 1 आ रहा है और नीचे 4/5 आ रहा है. 5 कहाँ चला गया? ऊपर. तो ये तो 5/4 आ गया. दैट मीन्स व्हाट इज द सम ऑफ दिस पावर? इट इज 5/4. यानी इसकी जगह मैं 5/4 लिख सकता हूँ कि नहीं? उस ऊपर वाली की जगह 5/4 लिख सकता हूँ. अब आपने फिर इंडाइसेस में पढ़ा है, ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करते हैं? बेटा इंडाइसेस नहीं आता तो उसको पहले अच्छे से रिवाइज करो. मैंने पहले ही बोला जीपी में आपको बार बार इंडाइसेस यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो 81 की पावर पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? 1/4. हमेशा पहले नीचे वाली पावर सॉल्व करते हैं. अब 81 की पावर 1/4 कितना होता है? 3 होता है. ठीक है, 81 की पावर 1/4 3 होता है. और अब 3 की पावर में क्या है? 5. तो 3 की पावर 5 कितना होता है? 243. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 243, ऑप्शन डी. ठीक है, नेक्स्ट 17th बॉल प्रॉब्लम आ गई. देखो पढ़ो. बॉल वेन ड्रॉप्ड ऑन टू द ग्राउंड रिबाउंड्स टू 1/3. 1/3 मतलब के की वैल्यू 1/3 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फॉल्स ईच टाइम. इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50, यानी एच की वैल्यू कितनी? 50. देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिफोर कमिंग टू. हाँ, सेम सेम लैंग्वेज है, सेम लैंग्वेज है. तो मैंने डिराइव कर दिया था रिजल्ट. क्या था हमारा आंसर? टोटल डिस्टेंस डी का क्या आंसर आया था? एच 1+k अपॉन 1-k. वैल्यू रखते हैं, एच कितना है? 50. के कितना है? 1/3. नीचे 1-1/3. वॉट इज 1+1/3? 4/3. वॉट इज 1-1/3? 2/3. 3 से 3 कैंसल, 2 से 4 कैंसल. 50 × 2 क्या आंसर? 100. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. वेरी सिंपल, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सम ऑफ द सीरीज. अब इसमें देखो, ऊपर एक सीरीज लिखी है, स्क्वायर 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 ले रखे हैं. नीचे एक सीरीज लिखी है, क्यूब 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 ले रखे. तो ठीक है भाई, इसमें हम सिग्मा के दो फॉर्मूले लिखेंगे. ओके, तो इनफैक्ट तीन फॉर्मूले होते हैं, पर पहला हमने पहले ही लिख रखा है, सिग्मा आर. सिग्मा आर का मतलब 1+2+3 एंड सो ऑन अप टू एन. ठीक है, आर इक्वल टू 1 से n. ये सीरीज का फॉर्मूला मैंने सबसे पहले जब एपी स्टार्ट किया था तभी लिख दिया था, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. इसको हम सिग्मा आर बोलते हैं शॉर्ट नोटेशन. सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम. सिग्मा का मतलब होता है सम. कहां से कहां तक लेना है सम? आर को 1 से लेके n तक ले जाना है, एक एक की स्टेप. 1+2+3+4, ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म. और इसका फॉर्मूला हमने पहले ही निकाल लिया, n+1/2. ऐसे ही दो सिग्माज और होते हैं, सिग्मा आर स्क्वायर आर इक्वल टू 1 to n और सिग्मा आर क्यूब आर इक्वल टू 1 to n. सिग्मा आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भाई? कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कहाँ तक? n स्क्वायर. और उसका फॉर्मूला होता है n n+1 2n+1/6. और जो सिग्मा आर क्यूब है उसका मतलब है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + कहाँ तक? n क्यूब. और उसका फॉर्मूला क्या है? जो पहला वाला फॉर्मूला था ना उसी का स्क्वायर, पहले वाले फॉर्मूले का ही स्क्वायर, n n+1/2 का स्क्वायर. ये तीन सिग्मा फॉर्मूले हैं जो आप याद रखें. जैसे ये सवाल है ना डायरेक्ट पूछा हुआ है, वैसे ही डायरेक्ट पूछता है. तो तीन फॉर्मूले अगर हमें आते हैं तो हम इस तरीके से सवाल डायरेक्ट कर सकते हैं. जैसे इसने क्या पूछा हुआ है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है? 15 स्क्वायर तक. मतलब मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है न्यूमरेटर में. और नीचे 1 क्यूब 2 क्यूब कहाँ तक जा रहा है? 10 क्यूब. मतलब मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है डिनोमिनेटर में. तो न्यूमरेटर में मैंने एन का वैल्यू क्या डाला? 15. तो जरा देखो यहाँ पे एन का वैल्यू 15 डाला, तो 15 × 16 × 31/6. इसको याद रखने का एक और इजी तरीका है. सेकेंड फॉर्मूले को, लास्ट वैल्यू को सबसे पहले लिखो, उसमें 1 जोड़ दो. ठीक है, तो ये आ गई सेकेंड वैल्यू. और फिर इन दोनों को जोड़ दो तो आ गई थर्ड वैल्यू.
लास्ट वैल्यू जो भी लिखी हो उसमें वन जोड़ दो तो आ गई दूसरी वैल्यू, और उन दोनों को जोड़ दो तो आ गई तीसरी वैल्यू। अपॉन क्या करना है, 6। तो 15 प्लस 16 31 होता है, ठीक है। ये तो हो गया न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में तो एन का वैल्यू कितना है, 10। तो 10 × 11 अपॉन 2 का क्या लिखना है, स्क्वायर। दैट्स इट, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आना चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। तो पहली बात तो 3 से कट गया, एक बार वापस लिख लेता हूँ, 15 16 31 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसमें 2 से एक काट सकता हूँ, 5, तो ये आ रहा है 5 × 5 × 11 × 11। लेट्स राइट इट दिस वे, स्क्वायर है ना, ठीक है। तो अभी 3 से कटा 2, 3 से कटा 5, 2 से कटा 8, फिर ये 5 इस 5 से कट गया, ठीक है। दैट्स इट, अब तो कुछ नहीं कट रहा, तो ऊपर तो क्या बच रहा है, 31 × 8 विच इज 248। ऊपर 248 कौन से ऑप्शन में, ए और सी में, और नीचे देखो क्या बच रहा है, 5 × 11 × 11, तो 11 11 121, 121 × 5 कितना होता है, 121 × 5 605। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन ए, 248/605, दैट्स द करेक्ट आंसर। बट इट इज अ डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो ये याद रखना सिग्मा फॉर्म। 19th, द सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 150। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका भी मैंने ट्रिक आपको एपी स्टार्ट करते वक्त बताया है कि जब आपको ऑड नंबर्स का सम चाहिए तो आपको याद होना चाहिए था कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, है ना, याद है ना, कितना है, एन स्क्वायर। तो हमें खाली ये पता लगाना है कितने ऑड नंबर, तो वो बोल रहा है भाई कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 150, मतलब 1 + 3 + 5 + एंड सो ऑन, कहाँ तक, व्हाट इज द लास्ट ऑड नंबर व्हिच इज लेस देन 150, इट इज 149, ठीक है। इसका मतलब वो 1 से 150 के बीच में ऑड नंबर पूछ रहा है, तो 1 से 150 में आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, मतलब 75 ऑड होंगे 75 इवन होंगे, दैट मींस डेफिनेटली इसमें मेरे पास 75 ऑड नंबर्स हैं कि नहीं, 75 ऑड नंबर्स हैं, और अगर 75 ऑड नंबर्स है तो मेरा आंसर 75 का क्या होगा, स्क्वायर व्हिच इज 8 6 सॉरी 5 6 2 5। डू आई गेट दिस, ऑप्शन डी आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो, 75 का स्क्वायर 5 6 2 5 आ रहा, वही आपका आंसर है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। फाइंड द सम ऑफ 2022 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज 1005th टर्म इज दिस एंड 1018th टर्म इज दिस। हाँ ये वापस वही आ गया जो एपी में फर्स्ट स्टार्टिंग ट्रिक की थी। आपको कितने टर्म्स का सम चाहिए, तो आपको पता है 2022 टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है, और आपको कौन कौन से टर्म दे रखे हैं, टी 1005वां और टी 1018वां, ये दो टर्म दे रखे, ठीक है, ये दिया हुआ है 69, ये दिया हुआ है 96, ठीक है, दैट्स ओके। व्हाट आई मस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व इज इसका जो सब्सक्रिप्ट है और इसका जो सब्सक्रिप्ट है, अगर मैं उन दोनों को ऐड करूं, यही मेरी ट्रिक थी, तो एक ज्यादा आना चाहिए था ना नंबर ऑफ टर्म्स से, तो 1005 + 1018 जरा देखो 2023 आता है, और 2023 आपका जो है वो 2022 से एक ज्यादा है कि, इसका मतलब ट्रिक सेटिस्फाइड, यानी ये इक्विडिस्टेंट टर्म्स, तो इससे एक बात कंफर्म हो जाती है कि इक्विडिस्टेंट टर्म्स है, और अगर ये इक्विडिस्टेंट टर्म्स हैं तो फिर मेरी ट्रिक सीधी सीधी चलती है कि मेरे को नंबर ऑफ पेयर चाहिए और उसको मेरे को इन दोनों के सम से गुणा कर देना है, किन दोनों के सम से, इन दोनों टर्म्स के सम से। सो व्हाट इज द सम ऑफ वन पेयर, व्हाट इज द सम ऑफ पेयर, ठीक है, इट इज 69 + 96, हाउ मच इज दैट, 9 और 6 15, 10 और 6 16, 165। तो एक पेयर का सम कितना है, 165, और मेरे पास नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, मेरे पास नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं भाई, तो मेरे पास टर्म्स कितने हैं, 2022, तो पेयर्स कितने बनेंगे, 2022 / 2, तो 1011 पेयर्स बनेंगे, तो भाई मेरा आंसर कितना हुआ, टोटल सम कितना हुआ, 165 × 1011, सो द आंसर शुड बी 1011 × 165, कैलकुलेट करो, 1011 × 165, योर आंसर इज 166815, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, सिंपल, क्लियर। सो दैट दोज वर 20 वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम एपी एंड जीपी। सो वी ट्राई टू कवर ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एपी जीपी अलॉन्ग विद सब स्पेशल कॉन्सेप्ट, जो स्पेशल सीरीज वाला जो पार्ट है, तो उसके लिए कोई सीरीज आपको आनी नहीं चाहिए, आपको जो ट्रिक समझाई वो आनी चाहिए कि सवाल को कैसे फटाफट करना, क्लियर।
दैट्स इट। इसके अलावा एक लास्ट चीज आप और ध्यान रखना, जो कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है, कि कभी भी अगर पॉजिटिव नंबर्स दिए हो, फॉर पॉजिटिव नंबर, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए कहानी ट्रू है, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। पॉजिटिव नंबर्स के लिए अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। ये एक थियोरेटिकल रिजल्ट है जिसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि 4 और 9, तो 4 और 9 का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो तो होता है 13, और 4 और 9 13/2 सॉरी, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9। अब आप अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9 निकालोगे तो आपको देखो कितना मिलेगा, 2 इंटू 3 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जबकि ये आपको 6.5 मिलेगा। तो हमेशा देखना अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा अगर नंबर्स पॉजिटिव है। तो ये रिजल्ट कभी कभी थियोरिटिकली पूछ लिया जाता है, इसको अपने को ध्यान रखना। क्लियर? ऑल राइट, सो दैट कंप्लीट्स द वन शॉट रिविजन ऑफ सीक्वेंसेज एंड प्रोग्रेशंस। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑन कैलकुलस, जिसमें हम सेट्स रिलेशन फंक्शंस प्लस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कवर करेंगे। चलो देन, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।